Hello, solo peeps. Welcome to another Solo Kapoor's podcast. And the mission of this podcast is to put the fear of God in your minds, because Corona has become such an old news and it's time to refresh that news again. So for that purpose, I have with me Dr. Hemant. I'll introduce him in a bit. But the reason why I chose to interview Dr. Hemant is because I saw his interview a couple of weeks back with Mr. Karan Thapar, the great Karan Thapar, who pissed off our Prime Minister 10 years ago. If you could go and check the YouTube videos for that. He interviewed Mr. Hemant because Mr. Hemant had published an article in the Hindu newspaper claiming that India's COVID deaths are 5 times more than the actual reported numbers that you see in the Google News. So I thought that was a very fascinating fact, and I read his article and I watched his interview with Mr. Thapar, I thought it'll be very appropriate to bring him onto the podcast. And the whole interview of Thapar and Dr. Hemant, along with Dr. Dr. Giri, right? It was entirely in English. So Dr. Hemant ki request thi ki hum ye pura interview Hindi mein baat karenge, taki thoda डर आराम से बैठता है हिंदी में जब बोलेंगे. ठीक है, तो डर नहीं, ज्यादा लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा सके और थोड़ा लोगों को एजुकेट भी कर सके. एग्जैक्टली. सो सर, आई बीन वेरी स्ट्रिक्टली वांट नॉट टू कॉल हिम सर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेमंत, कॉल मी हेमंत प्लीज, कॉल मी हेमंत. यस, हाँ जी, जितना डॉक्टर बुलाएंगे उतना आप लेजिटिमेट बनते जाएंगे ना. इट्स ओके, इट्स ओके. Name is good enough. Right. So, आपने Hemant, introduce कर दिया. हाँ जी. Before I get started, right? आप हैं कौन? Why don't you introduce yourself? क्योंकि the reason why I'm asking you this question is कि मुझे जानना है कि आप हैं कौन और हम आपकी बात क्यों माने. ठीक है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट्सएप मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, यू नो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट्सएप मेडिकल रिसर्च, इन सब का बात ठुकरा के हम आपकी बात को क्यों माने? आप हैं कौन, जरा बताइए. चलिए, मेरा नाम हेमंत है, जैसे आपने बताया. तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ. मैंने MBBS 2006 में खत्म किया. आई बिलोंग टू पांडिचेरी. And I'm a true example of India, matlab from Pondicherry, but actually from Maharashtra, born in Rajasthan, stayed in Chandigarh, Delhi, and now in Bangalore. So I did my MBBS in 2006, aur uske baad 2011 mein maine apna MD khatam kiya, aur maine MD community medicine mein kiya. Community medicine ko Hindi mein samudayik chikitsa bhi kehte hain, aur ye maine post graduate institute Chandigarh se khatam kiya. जिन श्रोताओं को नहीं पता है, सामुदायिक चिकित्सा इज टेकिंग, मतलब एक समाज, एक कम्युनिटी का हेल्थ की मतलब ख्याल रखना. ऑब्वियसली उस कम्युनिटी में जो पेशेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना, लोगों का भी ख्याल रखना, बट वी आर लुकिंग एट द पॉपुलेशन एज अ होल और उसकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना. तो ये एक स्पेशलिटी होती है. और MD खत्म करने के बाद मैं 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर था सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में. 2 साल पांडिचेरी में था, वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और फिर 1 साल सेवाग्राम में एक रूरल मेडिकल कॉलेज है, कस्तूरबा ट्रस्ट. महात्मा गांधी जहाँ थे और वहां पे उनके नाम पे कस्तूरबा ट्रस्ट स्टार्ट हुआ, फिर वहां पे एक हॉस्पिटल हुआ. तो वहां पे भी मैं एज अ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन था. उसके बाद 6 साल से मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, यू कैन कॉल इट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ पे काम करती है, लंग हेल्थ पे और टीबी पे काम करती है, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ. और मेरा काम है बेसिकली हमारी जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे जो हेल्थ प्रोग्राम्स में जो लोग काम करते हैं उनकी रिसर्च में ट्रेनिंग करना और उनकी रिसर्च में कैपेसिटी बढ़ाना. सो हम नेशनल लेवल पे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, मैं एज अ कंसल्टेंट वहां जाता हूँ, और मेरी टीम ऑब्वियसली, सिर्फ मैं नहीं, हम वहां पे उनकी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो सरकारें हैं और जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो डेटा जो जनरेट होता है उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स के आउटकम्स और उसके परफॉर्मेंस को, हेल्थ प्रोग्राम्स को
इम्प्रूव कर सकें. सो ये मेरा ब्रॉड यू नो करंट काम है. वैसे मैं एज अ स्पेशलिस्ट एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ. सर हम फिर भी आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि व्हाट्सएप व्हाट्सएप है, ठीक है? तो आप ये सब बंद करिए, ठीक है? I'm just kidding. So let's get straight to the point. आपने हिंदू में लिखा था कि इंडिया के कोविड डेथ्स जो हैं, they are 5 times more than the official numbers. मतलब अभी हम देख रहे हैं काउंट अभी 80,000 के आसपास चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लास्ट आई saw. और मैं देखना बंद कर दिया, और काउंट बहुत डिप्रेसिंग चीज होती है, ठीक है? बट 80,000 के आसपास चल रहा है. बट आपके कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये डेथ्स तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख के आसपास होने चाहिए, ठीक है? सर आप क्या फूक रहे थे जब ये नंबर आपने दिया? देखिए we were just trying to present some data. तो हम कोविड में नहीं जाते, पहले कुछ मूलभूत बातों पे चर्चा करते हैं. Exactly. Very sorry to interrupt here because that was the very interesting point that you आपका बहुत interesting point जो था article में था कि कोविड को छोड़ दीजिए, ठीक है? कोविड को आप साइड में रखेंगे तो इंडिया का जो डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है बिफोर कोविड, ठीक है, कोविड से पहले ही, माने कि पहले भी और अभी भी, हाँ, चल रहा है 2019-18 यार सदियों से एक ऐसा इनएफिशिएंट नहीं मतलब मिसकैलकुलेटेड अंडर कैलकुलेटेड अंडर रिप्रेजेंटेटेड डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसका असर आज की कोविड डेथ काउंट पे भी होगा. ये आपका आर्ग्यूमेंट था, ठीक है? तो आप यहां से शुरू करिए और इस पे एलोबरेट करिए. इट वाज वेरी गुड दैट आप कोविड से पहले जा रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी शुड स्टार्ट. और ये श्रोताओं को भी समझना चाहिए कि सिस्टम ओवरनाइट नहीं बदलेगा, लेकिन सिस्टम को समझना चाहिए हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा है. तो एक मौत जब भी किसी फैमिली में होती है, परिवार में होती है, मतलब सबसे दुखद दिन होता है. लेकिन एक सिस्टम है, सबसे पहले कोई भी मौत होती है तो उस मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिए. इसको जो हम अंग्रेजी में कहते हैं डेथ रजिस्ट्रेशन. और मृत्यु के पंजीकरण के साथ साथ जो मृत्यु का जो कारण है ना, उसकी चिकित्सक जांच होनी चाहिए, ठीक है? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, कि मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु का कारण क्या था, उसकी चिकित्सक प्रमाण चाहिए अपने को, ठीक है? तो ये दो फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और भारत में मान लीजिए 100 डेथ्स हो रही हैं, मान लेते हैं कोई भी इन जनरल, 100 में से 86 डेथ्स का पंजीकरण होता है, ठीक है? और उन 86 डेथ्स में से जो टोटल डेथ्स का पंजीकरण होता है, उनमें से 20% डेथ्स का ही कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या है, उसका उसकी जानकारी हमें होती है. और बाकियों को क्या होता है सर? मतलब 20 का कारण जानकारी होती है, बाकियों का बस ऐसे ही, मतलब इसका एक सिस्टम होता है. देखिए जैसे कि दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है फॉर्म 2 और एक होता है फॉर्म 4. ये दोनों फॉर्म भरे जाने चाहिए और ये दोनों फॉर्म अपना एक RBD एक्ट है 1969 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट. और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत और ये आता है अपनी होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो इस एक्ट के अंतर्गत ऑल स्टेट्स हैव टू, मतलब सारे मृत्यु का उनको पंजीकरण करना है और सारी जो मृत्यु हो रही है उनका कारण क्या है, उसका चिकित्सक प्रमाण देना है. चिकित्सक प्रमाण बोलते हैं अब मेडिकल सर्टिफिकेशन करना है. Whoever is the doctor who is जो अटेंड कर रहा है डेथ को, उसको कारण लिख के देना है. तो फॉर्म 2 जो है वो मृत्यु का पंजीकरण का फॉर्म है और जो फॉर्म 4 जो है वो मौत के कारण का प्रमाण पत्र है, ठीक है? ये दोनों भरे जाने चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डेथ्स हो रही हैं उनमें से 34% ही एक फैसिलिटी में, हेल्थ फैसिलिटी में होती हैं. बाकी जो 66% डेथ्स हैं वो हेल्थ फैसिलिटी में नहीं होती, या तो घर में हो जाती है या रस्ते में हो जाती है. हम मान के चलते मोस्ट ऑफ देम घर पे हो जाती है. तो जब जो डेथ्स हो रही हैं और जो उनमें से 86% रजिस्टर हो रही है, पंजीकृत हो रही है, उनमें से 34 ही अगर मान के चले कि अस्पताल में हो रही है और उनमें से सिर्फ 20 का ही मौत का कारण हमें उसको कोई चिकित्सक प्रमाणित करता है. मतलब जो सारी मौतें अस्पताल में हो रही हैं उन सारी मौतों का भी मौत का कारण हमें नहीं पता चल रहा है.
इसका कारण है, हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमें सिर्फ 20% मौतों का कारण पता है कि मौत क्यों हुई। तो अब सोचिए हम कैसे एक्शन लेंगे। अगर हमें सबसे पहले अगर हेल्थ में हमें क्या करना है, हमें मौतें कम करनी है, उसके बाद हम बीमारी कम करेंगे ना, तो सबसे पहले फोकस मौतों पे होता है कि मौतें नहीं होनी चाहिए इन जनरल। हाँ, तो अगर हमारे पास उसका कारण का डेटा ही नहीं होगा तो हम एक्शन कैसे देंगे? और अगर हमारे पास सिर्फ 20% मौतों का कारण का प्रमाण होगा तो हम कैसे कह सकते कि इस 20% में जो कारण मिल रहे हैं ये बाकी 100% में भी होंगे? तो चलो हम बोल सकते अगर 90% मौतों का हमारे पास कारण है तो हम बोल सकते चलो मोटा मोटा यही होगा कि 50% मौतें बीपी शुगर से होती हैं, 30% मौतें यू नो इन्फेक्शन से होती हैं, बाकी 10% एक्सीडेंट से होती हैं। तो जब आपको इन कारणों का पता चलेगा तभी आप एक्शन लेंगे, राइट? तो ये सत्य है, लेकिन ये कठोर सत्य है। ये थोड़ा इम्प्रूव भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि पहला हमने एक बोला कि मृत्यु का पंजीकरण, राइट, अभी 86% हो रहा है। ये 10 साल पहले 2009-10 में 67% होता था, 67-69%। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है 67 से अराउंड 86। लेकिन जो मौतों का जो कॉज ऑफ डेथ पता होना चाहिए वो पहले भी 20% था 2009-10 में ऑफ द रजिस्टर्ड डेथ, अभी भी 20% है। तो जब मैं MD कर रहा था तो मैंने चंडीगढ़ में ये जो कॉज ऑफ डेथ असर्टेनमेंट होता है उसका मैंने एक स्टडी की थी और एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेजेंट भी की थी। तो तब मैंने मतलब ये देखते हैं रिपोर्ट, तब 20% था, अभी भी 20% है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। वो जमाना था जब आप ये प्रेजेंटेशन कर रहे थे, किसी ने आपको देशद्रोह नहीं कहा, बट या अरे नहीं नहीं उसमें नहीं जाते हैं। बट व्हाट मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज पे फोकस करना जरूरी है और लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। और ये किसी सरकार की बात नहीं है, बहुत सारी सरकारें आई सरकारें गई, पहले अलग सरकार थी अभी अलग सरकार है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट कब से है? 1969 से है, लेकिन अभी जाके हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन 86% तक पहुंचा है। लेकिन जो मौत के कारण का जो प्रमाण होना चाहिए, जो एक चिकित्सक को करना चाहिए, वो भी 1969 से बोल रहे हैं कि करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 20% तक ही पहुंचे हैं। इस पे ध्यान जाना चाहिए लोगों का, क्योंकि हमारे थोड़े दो, लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका एक सेकंड, अभी मेरी आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों कट गया था। एक सेकंड, जी, गरीब पॉडकास्ट के प्रॉब्लम्स, कोई नहीं आज। हेलो, अब आ रही है ना आवाज? हेलो, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, आपकी भी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मृत्यु का जो पंजीकरण की दर है ये थोड़ी इम्प्रूव हुई है 10 साल में, 70 से 86% मान लेते हैं। और जो अपना मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण देना होता है, चिकित्सा प्रमाण, वो 2010 में भी 20% था। जो मौतें पंजीकृत हो रही है उनमें से कितनी मौतों के कारण का प्रमाण, चिकित्सक प्रमाण हमारे पास है, वो दर भी पहले 20% थी 2010 में 9 में, और अभी भी 20% है। और ये सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है। ये हर साल मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट निकालती है, और ये हर साल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसमें बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन होता है ये रिपोर्ट निकालती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास 2018 की है, ठीक है, 2019 की क्यों नहीं हम आगे चर्चा कर सकते क्योंकि इसमें टाइम लगता है रिपोर्ट आने में। हमारे पास 2018 का लेटेस्ट डेटा है और ये हर साल ये रिपोर्ट निकल के आती है। तो ये एक बेसलाइन कठोर सत्य है जो हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव विल मतलब बोलते हैं ना कि जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, मे बी जो लोग सीनियर डॉक्टर्स हैं जो स्टेट लेवल पे इस चीज को मॉनिटर करते हैं, जो हमारे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो हमारे राज पॉलिटिशियंस हैं, इनमें मुझे लगता है एक विल आना चाहिए। विल तभी आएगा जब लोग डिमांड करेंगे कि हमें हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन 100% होना चाहिए, हमको सारी मौतों का क्या कारण है पता होना चाहिए, तभी हम कुछ एक्शन ले पाएंगे।
ठीक है, और मुझे लगता है इसमें एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव विल आ गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मैं ईरान का एग्जांपल ले लूं, मेक्सिको ले लूं, ब्राजील ले लूं, इनका अगर आप देखें कि कितनी मौतें हैं जिनका डेथ रजिस्ट्रेशन भी होता है और उनका मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ भी होता है, वो 90-100% है जी, ठीक है। श्रीलंका का 80% है, आपका फिलीपींस का भी थोड़ा 80% है, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा खराब है, जो हमारे आसपास के जो कंट्रीज है ना, इंडिया के पास पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, इनका या तो खराब है या तो कोई डेटा ही नहीं है कि उनका कितना लोगों में ये कितनी मौतों में ये मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ होता है। सर आप ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स जब आप बोलेंगे ना, तो लोगों का सबसे पहला रिएक्शन है कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हम नहीं कर सकते, डेंसिटी ऐसी है, कितने कितनों का ख्याल रखेंगे, कितनों का रिकॉर्ड करेंगे, ये सब मैं 10-15-20 साल से सुनते आ रहा हूं, तो हम और कितने साल तक पॉपुलेशन का बहाना देते हुए ऐसे जीते रहेंगे? जी, पॉपुलेशन का बहाना कब तक, ठीक है, एक और एग्जांपल देते, चीन, चीन इज द सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका 60% है कि मान लीजिए 100 मौतें हो रही है, उनमें से कितनों का मृत्यु का पंजीकरण हो रहा है और मौत के प्रमाण का, कॉज ऑफ डेथ का हमारे पास चिकित्सक प्रमाण है, उसका 60% है ना। तो देखिए, ये बहुत पुरानी बात होगी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हर स्टेट कर सकता है, गोवा ने 100% करके दिखाया है, गोवा एक ऐसा स्टेट है। ये तो है ना कि ये बोलिए ना आपकी, हर स्टेट 20% पे नहीं अटका हुआ है ना, ये नेशनल एवरेज है, कई स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई स्टेट्स उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि आप थोड़ा दो टॉप स्टेट्स के थोड़ा एग्जाम्पल्स दीजिए ना। थोड़ा मैं टॉप स्टेट्स के एग्जाम्पल देता हूँ, और ये मोस्टली छोटे स्टेट्स हैं या तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे गोवा में 100% मौतों का पंजीकरण होता है और उसके साथ साथ कॉज ऑफ डेथ का चिकित्सक प्रमाण भी हो जाता है, 100% है। फिर अगले दो आते हैं हमारे, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये दोनों, चंडीगढ़ तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका 70-75% है, ठीक है। फिर आता है दिल्ली, दिल्ली का अराउंड 63% है। उसके बाद मैं आता हूं उन राज्यों का जहां पे 10% से कम है। बाप रे, 10% से कम है मतलब, क्या मैं गेस कर सकता हूं? जी कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार जी, झारखंड, पता नहीं वेस्ट बंगाल है कि नहीं। वेस्ट बंगाल का 10% से कम नहीं है लेकिन खराब है। अच्छा, ये चार हो गए सर, और क्या कर सकते हैं हम? हरियाणा का क्या हाल है? हरियाणा का मतलब देखिए, तीन है। चार हैं जिनका 70% से ऊपर है, जो 70-60% से ऊपर है, मैंने वो एग्जांपल दे दिया आपको उदाहरण, फिर कुछ मैं उदाहरण दे ही देता हूँ आपको। सबसे पहले है नागालैंड, उसके बाद असम, नागालैंड और असम, ये नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट्स हैं जिनका लेस देन 10%, और ये याद रखिए, दिस इज कितनी मौतों का पंजीकरण भी होता है और उसके साथ साथ मृत्यु के प्रमाण का, मृत्यु के कारण का चिकित्सक प्रमाण भी होता है, ये दोनों में देख रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं नागालैंड, तो यहाँ ना, यहाँ क्या हुआ कि छोटे बड़े पॉपुलेशन, छोटा बड़ा का आर्गुमेंट बाहर ही निकल गया, बाहर ही निकल गया। और नागालैंड थोड़ा मतलब वहां पे हम जानते हैं थोड़ा इश्यूज है वहां पे, लेकिन मैं बाकी एग्जाम्पल देता हूँ, नागालैंड हो गया, असम हो गया, फिर अपना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, तो ये हमारे 7 राज्य हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को मिला लें तो ये देश की मतलब ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन है, इन राज्यों की पॉपुलेशन, ठीक है। तो उत्तराखंड भी छोटा राज्य है, ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को स्टेट्स के अंदर आता है, भले ही एक सेंट्रल एक्ट है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट के अंदर आता है। तो हमें इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए कि पॉपुलेशन ज्यादा है। देखिए, हमने गोवा का उदाहरण दे दिया, उत्तराखंड का उदाहरण दे दिया, और बाकी जो सारे राज्य हैं उनका 20-60% के बीच में है। मैं कुछ उदाहरण दे दूं आपको, जैसे कि कर्नाटक का डेथ रजिस्ट्रेशन 100% है, मतलब मृत्यु का पंजीकरण,
लेकिन जो मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण देना होता है वो सिर्फ 30-35% है. तो दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर ले 100% × 35, तो अपने को ये परसेंटेज वही 30-35 के बीच में आता है. वैसे महाराष्ट्र का भी हाल है, 98% डेथ रजिस्ट्रेशन है, मौत का पंजीकरण, मृत्यु का पंजीकरण, और कॉज ऑफ डेथ का चिकित्सक प्रमाण जो है वो अराउंड 30-35% है. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 30-35% होगा. कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि केरला का डेथ रजिस्ट्रेशन 100% है, लेकिन ये कॉज ऑफ डेथ का चिकित्सक प्रमाण जो अवेलेबल है वो सिर्फ 13-15% में अवेलेबल, आई थिंक 13-15 या 17. ऐसा भी आंध्र प्रदेश का भी सिचुएशन है कि डेथ रजिस्ट्रेशन काफी अच्छा है, 100% के पास है, लेकिन ये कॉज ऑफ डेथ का जो चिकित्सक प्रमाण हमें चाहिए वो अराउंड वही 17% के आसपास है. ठीक है, तो ये एक चीज है जिसपे हमें काम करना चाहिए. वेस्ट बंगाल का वही 10-20% के आसपास है. तो सर ये सब हमें काम करना चाहिए. ये सब बातें आप कर रहे थे कोरोना से पहले, ठीक है. अब हम आएंगे असली पॉइंट पे, ठीक है. सो ये सारे कैलकुलेशंस, ये सारे जो इनफिशियंसीज जो आपने बताए, ये सारे जो वीकनेस आपने बताए, हाउ आर दे प्लेइंग आउट इन दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन? आप थोड़ा ये समझाएं थोड़ा लोगों को. देखिए, तो हमने बस एक सिंपल कैलकुलेशन की, ठीक है. तो हमने क्या किया कि सबसे पहले नेशनल लेवल पे एक परसेंटेज निकाला कि कितनी मौतों का पंजीकरण हो रहा है और मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण मिल रहा है, ठीक है. तो हम नेशनल लेवल पे देखें तो 86% है हमारा मृत्यु का पंजीकरण, और मौत के कारण का जो चिकित्सक प्रमाण है वो जिन मौतों का पंजीकरण हो रहा है उनमें से 21% है. तो इन दो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 18% मिलता है, ठीक है. तो ऑफ जो मौतें हो रही हैं उनमें से कितनों का पंजीकरण भी हो रहा है और साथ साथ चिकित्सक प्रमाण मिल रहा है कि मौत क्यों हुई, ये 18% है, ठीक है. तो ऐसे हमने हर स्टेट का किया, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कुछ स्टेट्स का 10% से कम है, कुछ स्टेट्स का 10-60% के बीच में है, कुछ स्टेट्स का 60-70 के बीच में है, कुछ का 100% है. क्या मैं आपके एग्जांपल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं? जब आप कह रहे हैं कि गोवा में 100% डेथ कॉज मिलता है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर 100 पेशेंट की मौत हुई है कोरोना से, तो कोरोना में नहीं जाते, अभी कोरोना में नहीं जाएंगे. अच्छा, अगर 100 जनरली, हाँ जी, 100 लोगों की अगर मौत हुई है गोवा में, तो 100 लोगों का पक्का पता है कि वो उनकी उनकी मौत क्यों हुई है, ठीक है. टीबी से हुई है, कैंसर से हुई, ये हुई है, उससे हुई है, ठीक है. तो उसके हिसाब से दे आर रजिस्टरिंग द डेथ प्रॉपरली, और अगर कोरोना भी पिक्चर में आ गया तो वो एक्यूरेटली रजिस्टर हो जाएगा. मतलब अगर हाँ, अगर 100 लोग रजिस्टर हो जाएगा, हाँ, रजिस्टर हो जाएगा. आगे हम चर्चा करेंगे कि उसको हम टैली में लाते हैं कि नहीं, हम आगे चर्चा करेंगे. हाँ जी, हाँ, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं एमडी नहीं हूँ, तो जी नहीं, नहीं. और हमारा उद्देश्य यही है कि आम जनता तक ये बेसिक बात पहुंचे. हाँ जी, सिंप्लीफाई करना है ना, रजिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर 100 बंदों की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आगे जाके 100 बंदों की अगर मौत हो रही है कोरोना की वजह से, तो 10% मार्जिन होगा, 10 लोग मिस हो गए होंगे कोरोना की मौत की वजह से, या 5 लोग. मैं फिर से कह रहा हूं, हम कोरोना में बाद में आते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें निटिग्रिटीज है, अभी थोड़ा जनरली समझते हैं. मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बिहार ले लीजिए. बिहार में जो मृत्यु पंजीकरण का दर है वो सिर्फ 35% है. आप मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण तो छोड़ ही दीजिए. तो ये बेसिक सी, दीज आर, मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें हैं. मतलब बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन, फिर मौत का कारण क्यों हुआ, ये बहुत ही, इसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा होती है मोटा मोटा. वाइटल मतलब बहुत जरूरी है, मतलब इसके बिना कैसे हम मतलब कुछ प्लान करेंगे. तो 35% है. तो हम बात कर रहे थे, आपने हर स्टेट का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला था, तो वहां से हमें आपको इंटरप्ट कर दिया था. वहां से आते हैं, ठीक है. तो फिर हमारा सिंपल प्रिंसिपल था कि हमने ये जो परसेंटेज निकाला हर राज्य का उसको इनवर्स कर दिया. तो अगर 18% देश में मैंने नंबर निकाला था तो उसको इन्वर्स करेंगे तो रफली 5.51 आता है. जी, झारखंड बिहार में रफली, क्योंकि लेस देन 5% मौतें का पंजीकरण होता है और कॉज ऑफ डेथ पता चलता है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, फैक्टर अराउंड 35-39 के पास आया.
ठीक है। तो अगर तो, आप जब बोल रहे हैं 20% हो रहा है देश में, तो आपका कहना यह है कि अगर 5 मौत हो रही है कोरोना की वजह से, तो उसमें बस एक का पता चल रहा है। कोरोना में मैं अभी भी मैं आपको बोलूंगा, ये हाँ थोड़ा जी, समझाना पड़ेगा हाँ जी, मुझे आगे। बोलो इन बोलिए। जनरल हम ये समझते हैं कि मान लेते हैं एक बीमारी के कारण 5 मौतें हो रही हैं देश में, हाँ जी, तो हमारा सिस्टम उनमें से कितनी मौतों को पकड़ेगा? एक एक, को पकड़ेगा। हाँ जी, विद द कारण कि हाँ मतलब जी, ये ए बीमारी है, एक्स बीमारी है, इस कारण से देश में 5 मौतें हो रही है, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन और हमारा जो मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण की दर है उसको हम मान के चले तो एक हमको पता चलेगा। ठीक है, ये इन जनरल है। ठीक है जी, ठीक है, तो अभी हम आते हैं कोरोना में। जी ठीक है, तो कोरोना में हमें ये समझना पड़ेगा कि दो एक यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे हम टेस्टिंग दर समझते हैं कि वहां कितनी टेस्टिंग हो रही है। अब इसको टेस्ट पर मिलियन बहुत लोगों ने सुना होगा कि मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो 10 लाख मिलियन में आज के आज अगर 10 लाख लोगों में कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले बोलेंगे कि अभी तक कितने कोरोना की जांचें हुई हैं, फिर उसको डिवाइड करेंगे कितना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है, और उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोटा मोटा हमें यह पता चल रहा है कि 10 लाख लोगों में कितने लोगों का कोरोना की जांच हुई है। ठीक है, तो यूएसए में ये अराउंड 2.2 लाख है, 220,000। ठीक है, तो मतलब आप सोचिए कितना वहां टेस्टिंग हो रहा है। मतलब आप ये मान सकते हैं वहां 10 में से 2-3 लोगों का टेस्ट हो जा रहा है कोरोना का। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, वहां भी तो मतलब इतना ज्यादा टेस्ट करने के बाद भी जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो वहां बता रहे हैं कि वहां पे सिर्फ 1 out of 10 कोरोना के जो केसेस हैं वो पकड़ में आ रहे हैं सिस्टम में, मतलब रिपोर्टेड कोरोना केसेस जो बोल रहे हैं। तो अगर वहां पे एक होता है ना, कितने कोरोना केसेस हो गए जी, 1 लाख हो गए जी, 2 लाख हो गए, तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि यूएस में भी अगर 1 लाख केस डिटेक्ट हो रहे हैं तो 9 लाख 10 लाख मिस भी हो रहे हैं, क्योंकि सबका टेस्ट नहीं कर सकते ना, टेस्ट की एक लिमिट होती है। अगर आप यूएस जैसा हाई टेस्ट मतलब टेस्टों की दर ज्यादा है, वहां भी 1 out of 10 केसेस ही हम पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिए हमारे यहाँ क्या मतलब हमारे यहाँ हम 10 लाख लोगों में अराउंड 25,000-30,000 टेस्ट कर रहे हैं, और ये नंबर बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना जैसे जैसे समय जाएगा टेस्टिंग बढ़ती रहेगी। मान लेते हैं 30,000 टेस्ट कर रहे हैं, तो मोटा मोटा हम ये मान के चलें कि 100 लोगों में 2 से 3 लोगों का टेस्ट हुआ है हमारा। तो आप कंपेयर करें, अब देखिए भारत एक विकासशील देश है, वो एक विकसित देश है, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारा हम पूरा पैसा उसमें नहीं झोंक सकते, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। लेकिन ये मान के चलें अगर वहां पे जो एक्चुअल कोरोना के पेशेंट्स कम्युनिटी में हैं वो 10 times हैं, 10 गुना ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू जो केसेस उनके सिस्टम पकड़ रहा है टेस्टिंग करके, तो हमारे यहाँ सोचे इतना कम टेस्टिंग है, तो हमारे यहाँ तो मुझे मोटा मोटा लग रहा है कि अगर हमारे पास 100 केसेस होंगे कम्युनिटी में, 1 to 5 केसेस हम पकड़ रहे हैं। और इसमें कुछ सरप्राइज होने की बात नहीं है, टेस्टिंग कितना पकड़ेगी, क्योंकि और हमारा ये टेस्ट भी हुए ना, सीरो प्रेवलेंस टेस्ट सुना सर्वे सुना होगा कि पुणे में पता चला कि 60% लोगों में कोरोना के मतलब इन्फेक्शन पाया गया है, मतलब पहले से इन्फेक्शन हो चुका है, इसको हम एंटीबॉडी एंटीबॉडी कहते हैं, मतलब कि अभी इन्फेक्शन नहीं। हाँ, पुणे में, लेकिन वो टेस्ट कहाँ किया है? वो उन जगहों में किया है जहाँ पे केसेस ज्यादा थे, तो थोड़ा ये समझ दिल्ली में थोड़ा ज्यादा लोगों में हुआ था, तो दिल्ली में रिसेंट सीरो प्रेवलेंस सर्वे बताता है कि 29% लोगों में एंटीबॉडीज हैं, मतलब कभी ना कभी पिछले 4-5-6 महीनों में इन्फेक्शन लगा है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि वो रिलेटिवली सेफ है, बाकी 70% को अभी तक नहीं हुआ है। तो आप इसको पॉपुलेशन में कन्वर्ट कीजिए, सोचिए कितने केसेस हो गए हैं और कितने हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मोटा मोटा हम ये मान के चल सकते हैं 1 to 5% केसेस हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो कोविड डेथ रिपोर्टिंग है हम इन्हीं 1 to 5% में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव निकले उनमें से कितनों की मौतें हुई। ठीक है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि कोई भी मौत जिसमें कंफर्म्ड कोविड मतलब जिसका टेस्ट पॉजिटिव है, या सस्पेक्टेड कोविड कॉज ऑफ डेथ है,
मतलब मृत्यु का कारण है उसको हमें COVID-19 मौत माननी चाहिए. समझ में आ रहा है? सस्पेक्टेड का मतलब क्या है? थोड़ा हाँ जी, सस्पेक्टेड का मतलब यह है कि जब भी डॉक्टर उसको देखता है, उसको जांच करता है, उसको क्या क्या तकलीफ हुई थी, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, चेकअप करता है, ये देख के ये बोलता है कि ये मुझे कोरोना जैसा लग रहा है और कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है मुझे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ या पेशेंट वॉज ब्रॉड डेड, हो सकता है ना कभी कभी पेशेंट वॉज ब्रॉड डेड, ठीक है. तो इन सब चीजों में इसको हम बोलते हैं सस्पेक्टेड COVID-19 डेथ. ओके, ठीक है. तो हम जो करेंटली, लेकिन हमारा ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हमारी एपेक्स रिसर्च बॉडी है, उसने भी WHO की ही डेफिनेशन को फॉलो किया. तो ऑन पेपर जो हमारी डेफिनेशन है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेफिनेशन से मेल खाती है कि कोई भी मौत जिसमें कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड COVID-19 मौत का कारण है, उस मौत को COVID-19 मौत माना जाएगा. ठीक है. तो मैंने क्या कहा, हमारे मोस्टली बेस्ट केस सिनेरियो में मान के चलते कि हम 5% कोरोना को पकड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और उनमें से ही हम डेथ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकी 95% अननोन है. अननोन है मतलब हमें पता है उनमें, लेकिन हमें पता नहीं है. हो सकता है उनमें सिम्टम्स हो सकता है उनमें सिम्टम्स ना हो. अब कितने लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है और वो मतलब ठीक हो जाती है ना. तो उनमें अगर किसी की मौत होती है तो वो तो हमारा रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम और कॉज ऑफ डेथ सिस्टम ही उसको पकड़ेगा. मान रहे जो भी सिस्टम है, कितना भी अच्छा है बुरा है, 20% काम करता है, 50% काम करता है, 100% काम करता है. तो अननोन कोविड, सब देखिए सब लोग कोविड अस्पताल में तो नहीं आएंगे, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक थिंकिंग हो गई. मतलब अगर हमारे 30% पॉपुलेशन में सिर्फ 50% मौतों का ही, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ, मैं तो कोविड में आ ही नहीं रहा, 50% मौतों का ही पंजीकरण होता है. सो लेट्स बी, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए. रियलिस्टिक का हिंदी अनुवाद पता नहीं क्या होगा. हम थोड़े आइडियल रियलिस्टिकली हम देखेंगे तो यू नो, तो अगर हम अपना सिस्टम देखें तो जो सस्पेक्टेड कोविड डेथ है वो हमारा जो रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और जो हमारा रूटीन मौत का कारण का चिकित्सक प्रमाण का वो जो सिस्टम है उसी में पकड़ी जाएंगी, जितना भी अच्छा हो या बुरा हो. तो इसमें दो चीजें चाहिए, इनमें से हम तभी पकड़ पाएंगे सस्पेक्टेड डेथ्स. पहले अगर हम जो नॉन कोविड अस्पतालों के बाहर जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, वो शहरी इलाकों में हो सकते हैं, वो सिंगल क्लिनिक चला सकते हैं. सिंगल क्लिनिक मतलब अपना खुद का एक क्लिनिक है, या वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का हिस्सा हो सकते हैं, बड़े अस्पताल का हिस्सा हो सकते हैं, छोटे अस्पताल का हिस्सा हो सकते हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हो सकते हैं, वो सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हो सकते हैं. तो जो कई बार जो होम डेथ्स होती हैं उनको तो पास का डॉक्टर ही अटेंड करेगा ना, मतलब जो पड़ोसी है डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर है जो भी है, ठीक है ना. तो इनको पहले एंकरेज करना चाहिए कि जहां जहां आपको COVID-19 कॉज ऑफ डेथ लग रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी टेस्टिंग कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है. फिर से हम रियलिस्टिक होना पड़ेगा. जहां जहां आपको लगता है कि सस्पेक्टेड COVID-19 है, आप उसको लिखे Form 4 में और वो Form 4 को जमा कर दो. उसका एक सिस्टम होता है, वो मैं सिस्टम पे थोड़ा बाद में आऊंगा, ठीक है. और फिर हम बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जिला अधिकारी हैं, जो बर्थ एंड डेथ के इंचार्ज होते हैं, वो रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे वो डेटा ले लेंगे कि हाँ जी आपके कितने सस्पेक्टेड COVID-19 डेथ्स थे. तो ये दोनों होना चाहिए. अभी वो नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ जो पॉजिटिव केसेस हैं उन्हीं में से ही कोविड डेथ रिपोर्टिंग हो रही है, या कोई सस्पेक्टेड डेथ या कोई अभी मरने वाला है वो एंड में अस्पताल में आ गया, उसका टेस्ट हो गया और टेस्ट में पॉजिटिव निकला तभी रिपोर्ट कर रहे हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है, ठीक है. तो मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि जो 95% अननोन कोविड जो कम्युनिटी में है, उनमें मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सस्पेक्टेड कोविड है उसको हमारा सिस्टम पकड़ रहा है. मैं मान के चल रहा हूँ, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो हम पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. तो कुछ नेशनल लेवल पे 18% है
और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि वो उसमें कैप्चर करके उसको टैली में इंक्लूड भी कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो अगर मैं आपको गोवा का एग्जाम्पल दे दूं, अब गोवा में 100% हो रहा है ना डेथ रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर वो उनके जो डॉक्टर्स को वो सस्पेक्टेड COVID-19 कैप्चर करने को एंकरेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? मान लीजिए सस्पेक्टेड को कैप्चर कर लिया लेकिन उस डेटा को कोविड डेथ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा? तो ये सब छोटी मोटी बातें भी हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आप जो 95% कोविड है वो अननोन है और वो कम्युनिटी में है, और उनमें हम डेथ्स तभी पकड़ पाएंगे जब हम उसको हमारा रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम और मौत का कारण का चिकित्सक प्रमाण का जो सिस्टम है वो उसको कैप्चर करे। तो मैंने वो मान के एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किया, हर स्टेट का अलग अलग किया है, और ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल नहीं है, ये इसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। ये सिर्फ स्टेट लेवल पर है और ये नेशनल लेवल पर है, और ये सरकारी रिपोर्ट से है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट से ही मैंने ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स यूज किए हैं, और ये अजम्पशन करके मैंने ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब टीबी है, टीबी भी एक बहुत गंभीर बीमारी है और एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो टीबी में जो मौतें होती हैं इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड डेथ्स। जैसे कोविड में हम बोल रहे हैं कि अभी 60,000 70,000 या 80,000 मौतें हो गई है, इनको हमको एक टर्म यूज करना चाहिए, रिपोर्टेड डेथ्स। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टेड है, अगर रिपोर्टिंग कम हुई तो एक्चुअल फिगर उससे ज्यादा होगा, अगर रिपोर्टिंग बढ़िया हुई तो ये एक्चुअल फिगर है। तो टीबी में जो रिपोर्टेड डेथ्स है वो अराउंड एक साल में 80,000 है हमारे देश में। रिपोर्टेड डेथ्स मतलब जो हमारा टीबी प्रोग्राम है वो उसने हर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट का प्रावधान रखा है। ठीक है, और टीबी के लिए बहुत हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज में भी टीबी की जांच होती है, इसके साथ साथ हमारा सिस्टम समुदाय में जाके भी डिटेक्ट करता है, भाई आपको खांसी है, चलिए आप अपना बलगम दीजिए, हम आपकी जांच करा देते हैं। तो ये दोनों लेवल पे जांचें हो रही हैं, और टीबी का हमारा प्रोग्राम भी बहुत दुरुस्त प्रोग्राम है, मतलब एकदम बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में जो टीबी केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें से 80,000 लोगों की मौत होती है। ठीक है, अभी हम आते हैं एस्टिमेटेड टीबी डेथ्स में। एस्टिमेटेड मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या एस्टिमेट करता है कि एक्चुअल नंबर्स कितने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बोलता है कि एक साल में भारत में 450,000 टीबी डेथ्स हैं। 450,000 मतलब 450,000। तो अगर हम एस्टिमेटेड डेथ्स को रिपोर्टेड डेथ से डिवाइड करें, मतलब 450,000 डिवाइडेड बाय 80,000, रफली 5.6-5.7 आता है। हाँ जी। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन कैसे होता है, ये अपना अपना मतलब अलग प्रोसेस है, लेकिन ये कठोर सत्य है, हमारे यहाँ सारे डेथ्स नहीं होते, मतलब क्योंकि हमारे सिस्टम में मतलब है वीकनेसेस, ये मतलब एक चुटकी बजाने से ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने एक आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ये हमने ये COVID-19 में हमने यही माना, कि मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमारे जो कोविड रिपोर्टेड कोविड केसेस हैं ये लगभग मैं मान के चल रहा हूँ बेस्ट केस सिनेरियो में 5% होंगे, और बाकी जो 95%, मैंने यूएस का एग्जाम्पल दिया, इतनी बढ़िया टेस्टिंग होती है फिर भी बोल रहे हैं कि जो रिपोर्टेड केसेस है वो 10-15% ही होंगे, जो टोटल केसेस होंगे वो रिपोर्टेड से 10 गुना है, तो हमारे यहाँ तो मतलब उससे वीक होगा क्योंकि हमारी टेस्टिंग उससे कम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 5%, और ये दूसरे तरीके भी है ये कैलकुलेट करने के, सीरो प्रेवलेंस सर्वे है, सीरो प्रेवलेंस सर्वे से आप निकाल सकते हैं कि कितने इन्फेक्शन हुए होंगे अभी तक, और फिर हमको पता है कितने इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, तो उससे भी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके लिए। तो फिर से मैं बता दूं, मेजॉरिटी क्या, मोस्ट ऑफ दी COVID-19 केसेस कम्युनिटी में अनडिटेक्टेड है, और उनमें मौत हम कैसे पकड़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारी डेथ रजिस्ट्रेशन और हमारे कॉज ऑफ डेथ का क्या कवरेज है। ठीक है, वो जितना अच्छा होगा उतना मैं मान के चल रहा हूँ उतने कोविड डेथ्स पकड़े जाएंगे, लेकिन असलियत ये है, मैं बता दूं कि हम उससे डेथ्स कैप्चर अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल पिक्चर तो उससे भी मुझे लगता है ज्यादा होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ चलो वो उससे डेथ्स कैप्चर कर रहे हैं, तो
तो इतना हमारी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है. एक बात समझिए इसमें, मैं इसमें वो, मतलब COVID-19 जो अंडर रिपोर्टिंग या अंडर काउंटिंग कहीं भी हो रही है, उसका एक और कारण है कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट अस्पताल में आ गया, लेकिन उसका कॉज ऑफ डेथ, उसका पंजीकरण भी हो गया और उसका कॉज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण का चिकित्सक प्रमाण भी हो गया, लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है. है ना, कोई हो सकता है, आपने सुना होगा कई राज्यों में कि डायबिटीज भी था और COVID-19 भी था और वहां पे कॉज ऑफ डेथ को डायबिटीज लिख दिया है, है ना, तो बस कोविड डेथ में इंक्लूड ही नहीं होगा, है ना. तो इसको हम बोलते हैं एरर्स इन कॉज ऑफ डेथ असेसमेंट, एरर्स मतलब गलतियां. तो अगर इन गलतियों को भी फैक्टर इन करेंगे और इस मेथडोलॉजी से जाएं तो एक्चुअल डेथ इससे भी शायद ज्यादा हो. लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये धीरे धीरे सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, अगर ये सस्पेक्टेड डेथ्स को इंक्लूड करें तो हम रियलिटी के करीब जाते रहेंगे. तो मोटा मोटा ये है. बिकॉज आपने ये सब पॉइंट्स बताया, एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ लोग, कुछ लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है. पॉलिटिकल रीजन 1% होगा, ठीक है. आई थिंक 90-99% डेथ्स कम रिपोर्ट हो रही हैं क्योंकि वो पहले से हो रही हैं. इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो हम सरकार को ब्लेम कर सकें, ठीक है, क्योंकि कोरोना आते ही सरकार थोड़ी रातें रात सारा सिस्टम बदलेगा, ठीक है. ये 40 साल से यही चलता आ रहा है, 40 साल से हम 20% ही डिटेक्ट कर रहे हैं और वो जो सिस्टम है वो भी अब कोरोना को कम केसेस पकड़ेगा ही ना, तो कोरोना के डेथ्स भी वो कम ही पकड़ेगा. तो यहाँ हम अगर हम या मैं आपको यहाँ रोकूंगा, या हम टेस्टिंग इतनी बढ़ा दें कि हम सारे पॉजिटिव को कैप्चर कर लें और मतलब जो कोविड हैं और उनमें फिर मौत को ट्रैक कर लें, तो वो डेथ रजिस्ट्रेशन पे हमको डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कौन कौन कोरोना है अपने को पता है और हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि जो जो पॉजिटिव है उसको सरकार ट्रैक कर रही है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है. लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट और ये मतलब इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एनर्जी टू यू नो. एक ये टेस्टिंग थोड़ी स्मार्टली करनी चाहिए और सरकार स्मार्टली टेस्टिंग कर रही है, रिसोर्सेज भी अपने सीमित हैं. शुरुआत में थोड़ी टेस्टिंग की प्रॉब्लम हुई थी लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नरेंद्र मोदी जी का एक क्लियर आह्वान निकला था, आई थिंक एक दो तीन हफ्ते पहले है, कि उन्होंने स्टेट्स का नाम लिया था कि ये स्टेट्स में टेस्टिंग कम हो रही है, आप टेस्टिंग को बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि आप टेस्टिंग जितना करेंगे उतना लोग जल्दी डिटेक्ट होंगे और जितने जल्दी डिटेक्ट होंगे उतना उनमें गंभीर बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी, जल्दी पकड़ में आएगी तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का भी दुरुस्त किया है पिछले 3-4 महीनों में, तो उनको एडमिट करके मतलब उनमें मौत रोकी जा सके, ये कोशिश है. लेकिन हम इसको, मैं ये मानता हूँ कि इसको टेस्टिंग को 100% तो कर ही नहीं सकते, तो हमें सस्पेक्टेड डेथ रिपोर्टिंग पे डिपेंड करना पड़ेगा. चलो हम बेस्ट केस मान लेते हैं, हम यूएस की तरह हैं, हम 10% सारे कोविड डिटेक्ट कर रहे हैं लेकिन बाकी 90% में डेथ कैसे पता चलेगा, जब हमारा रूटीन सिस्टम पकड़ेगा. हम उनको एंकरेज करेंगे, हाँ जी आप एक प्राइवेट डॉक्टर हो, आपके घर के पास कोई भी डेथ हो रही है, अगर आपको कोविड लगता है तो आप Form 2, Form 4 जब भरते हैं तो उसमें लिख दीजिए और वो रजिस्ट्रार के पास भेज दीजिए. थोड़ा हम उनको, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, हम आपको स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, हम फिर रजिस्ट्रार से जाके वो नंबर ले लेंगे और फिर उसको हमारे डेथ्स में ऐड कर देंगे. ये अगर हो जाए तो हम थोड़ा जो ट्रू पिक्चर है ना डेथ्स का, हम उसके थोड़ा करीब पहुंचेंगे. मैं नहीं मान सकता कि हम टेस्टिंग इंप्रूव करके पूरा डेथ्स मतलब कैप्चर कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है. हमें सस्पेक्टेड डेथ्स को यू नो डिटेक्ट करना होगा और उसके लिए जो भी हमारा सिस्टम है 20% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है, उतने तो पकड़े कम से कम. और मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट कोविड के लिए लोगों को चौकन्ना रखें ताकि डॉक्टर जो हैं और लोगों में भय कम करें. अब ये जो नंबर्स जो हमने बताए हैं कि हमने 31 जुलाई को लगभग 35,000 मौतें हुई थी, जो हमने तो हिंदू में आर्टिकल 10 अगस्त को लिखा था कि 35,000 मौतें हैं कोविड के कारण, रिपोर्टेड डेथ्स, ठीक है, रिपोर्टेड COVID-19 डेथ्स, और हमने उसको 5.29 या 5.5 से मल्टीप्लाई किया था और हमने कहा था लगभग 1.9 एस्टिमेटेड COVID-19 डेथ्स हमारी कंट्री में है. ये नंबर से हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश में एक साल में लगभग 1.3 to 1.5 लाख मौतें तो इन्फ्लुएंजा से ही हो जाती हैं,
ये जो आम सीजनल फ्लू बोलते हैं इसको, जो सर्दी खांसी होती है ना, और वो सर्दी खांसी फिर निमोनिया में तब्दील हो जाती है, फिर निमोनिया में तब्दील होके फिर मौत हो जाती है. तो ये भी उसी में होता है जिसमें बीपी शुगर ज्यादा है, जिसमें आस्थमा का प्रॉब्लम है. आप में मुझ में सर्दी खांसी होगी, हम तो ठीक हो जाते हैं. लेकिन किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को लिवर का प्रॉब्लम 20 सालों से है, कोई 80 साल का बुजुर्ग है ना, किसी की मतलब टीबी है तो टीबी के कारण के फेफड़े थोड़े कमजोर हैं, किसी की इम्यूनिटी खराब है किसी कारण से, है ना, कोई स्टेरॉइड लेता हो किसी कारणवश तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है. तो इन सब लोगों में जब अगर सीजनल फ्लू बोलते हैं, जो साधारण सर्दी खांसी हो जाए, तो इनमें भी फिर वो सर्दी खांसी फिर निमोनिया में तब्दील होके फिर मौत हो जाती है. तो ये कितनी मौतें हो रही हैं, ये एक स्टडी है, रिसर्च स्टडी, एम्स के न्यू दिल्ली के एक डॉक्टर ने ही की है अपने पीएचडी करते समय. लगभग 1.5 लाख साल में हो रही है. और ये जो मौतें हो रही हैं सर्दी खांसी के कारण, जो निमोनिया में तब्दील हो, इसको हम सीजनल फ्लू बोलते हैं, ये बारिश के सीजन में और सर्दी के सीजन में ज्यादा होती है. ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये 1.5-1.3 लाख जो डेथ्स हो रही हैं सीजनल फ्लू, आम सर्दी खांसी जो निमोनिया में तब्दील हो जाती है उसके कारण, वो मोस्टली 6 से 7 महीने में हो रही है हमारे देश में. ठीक है, हमने क्या बोल रहा था, कोरोना के कारण 1.9 लाख डेथ्स हो रही हैं. तो ये नंबर से ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बात है कि हम उसको ठीक से रिपोर्ट करें, ताकि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो पूरक हो. मतलब मौतें इतनी हो रही है, एक्शन इतनी लेंगे, लेकिन मौतें इतनी हो रही हैं, रिपोर्ट इतनी कर रहे हैं, तो एक्शन भी इतना ही लेंगे. सिंपल सी बात है. और मुझे नहीं लगता कि एक, मतलब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं जो सिस्टम में है, वो बोलते हैं कि नहीं जी इससे लोग घबरा जाएंगे, हाहाकार मचेगा. मैं कहता हूं इसके लिए आप डेटा तो नहीं छुपाएंगे ना, जो डेटा है वो पब्लिक को शेयर कीजिए, और पब्लिक में बैठाए कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है. हमने पिछले 6-7, आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी वहां कोविड सेंटर्स तो खाली पड़े हुए हैं, है ना. उन्होंने पूरा एक स्टेडियम को कन्वर्ट कर दिया था कि जो घर में होम आइसोलेशन नहीं कर सकता वो इधर आ जाओ, जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा देंगे. लेकिन ये करने के बावजूद भी अगर आपका कोरोना बिगड़ जाते तो हम आपको LNJP या अपने बड़े अस्पतालों में शिफ्ट कर देंगे. तो इन कोरोना केयर सेंटर्स में बेड्स तो खाली पड़े हैं. तो सरकार ने पूरा वो किया हुआ है, हमें घबराना नहीं चाहिए. ठीक है, अब क्या करें, ये एक नई बीमारी है जो जिसका हमारे पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, और जो मतलब हम, मैं और आप है शायद हम रिकवर कर जाएं उससे, लेकिन जो जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें शायद कोरोना का उनको ज्यादा मार झेलनी पड़े. लेकिन यू नो हमें मौतें नहीं छुपानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना, मैं ये नहीं बोलूंगा हम छुपा रहे हैं, मैं आई विल नॉट गोइंग टू ब्लेम देम, मैं ये बोलूंगा कि हमें कोशिश कर, नीयत ये दिखानी चाहिए कि हम जितना रिपोर्ट कर सकें उतना रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. वो ऑनेस्टी मुझे चाहिए, हर स्टेट से चाहिए, हर गवर्नमेंट से चाहिए. बाकी ये एक नई बीमारी है. अगर मैं भी शायद होता सरकार की जगह, मैं भी एक, मेरी भी एक सीमा है, जितनी समझ है मैं काम कर सकता हूँ. लेकिन अगर हम ठीक से रिपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि सारी सरकारें ये करेंगी, सस्पेक्टेड कोविड 19 जितना मुझे पता है अभी रिपोर्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, ये अगर अभी हो रहा है पिछले 10-15 दिनों में तो बहुत बढ़िया. ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है. आप ये भूल जाइए, बिहार, यूपी, झारखंड में तो डेथ ही रजिस्टर नहीं हो रही, गांव में कोई मर गया तो डेथ ही रजिस्टर, कोरोना तो भूल ही जाइए. तो हमें अपने सिस्टम के आंख और कान खुला रखना पड़ेगा. मैं तो बोल रहा हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो अपना डेथ रजिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, और अपना मौत का जो कारण है उसके चिकित्सक प्रमाण जो होता है इसको इंप्रूव करने के लिए. हम 18% से 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सिस्टम को इंप्रूव करते हैं. कोरोना एक ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम इसको इंप्रूव करें, ताकि अगले 4-5 साल में हम 40%, 50%, 60%, 70% तक तो पहुंचे. ताकि इससे क्या होगा, टीबी की बीमारी ले लेते हैं, टीबी में 80,000 मौतें हो रही हैं. ये प्रोग्राम जो जो टीबी डिटेक्ट हुआ उसमें मौत को ट्रैक कर रहा है,
बाकी अगर हमारे सिस्टम अच्छा है, जो बाकी जगह ट्रीटमेंट ले रहा है, जो प्रोग्राम को बताया नहीं कि इसको टीबी है, होता है कई होते हैं जो इधर उधर ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन प्रोग्राम को बताते नहीं है कि रिपोर्ट नहीं करते प्रोग्राम को, कोई नहीं आप रिपोर्ट मत कीजिए, लेकिन रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज है, चलो नहीं करते हैं लेकिन आप प्रमाण पत्र में लिख दीजिए टीबी बीमारी मतलब कॉज ऑफ डेथ था, ताकि हम उसको डेथ को टैली कर सके। देखिए एस्टिमेट्स होते हैं, हम एस्टिमेट्स पे निर्भर नहीं कर सकते, ये जो भी डेटा अवेलेबल है उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो रिपोर्टेड रिपोर्ट है, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो असलियत के करीब हो जितना कोशिश हो सके। लोग गलत ना समझें कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं या किसी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, नहीं सर, हम सिस्टम को ही ब्लेम कर रहे हैं। सिस्टम ही ऐसा पड़ा हुआ है कि साला हम 20% ही कैप्चर कर रहे हैं तो कोरोना भी 20% ही कैप्चर करेंगे ना, तो इसमें ऐसी कोई ब्लेम वाली बात नहीं है। बस लोग गलत समझते हैं कि यार आप ना बड़ा नीची निगाह से देखते हो इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसे नहीं। लोगों को, ऐसा थोड़ी है सर, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेसिक चीज है कि भाई थोड़ा ये तो रीजन तो दो, थोड़ा डिग्निटी तो मिलती है ना, थोड़ा मतलब डेथ क्यों हुआ, क्या हुआ, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करो यार थोड़ा, मतलब दिस इज द पॉइंट, आई थिंक दैट दिस इज द पॉइंट यू वर गेटिंग टू थ्रू दैट आर्टिकल। आप इस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते थे, ये मैं समझा, ठीक है, लेकिन लोगों ने गलत समझा और थोड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं आपके आर्टिकल को लेके, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ थोड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करूंगा और आप थोड़ा उसका जवाब दें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि 20% कॉज ऑफ डेथ डिटेक्ट होता है हर बंदे में, लेकिन एक रिपोर्ट यह है कि कई कई डिसीजेस का 100% मेडिकल कॉज ऑफ डेथ निकलता है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर और ऐसे कई डिसीजेस हैं जिनका 100% पकड़ में आता है सिस्टम में कि हाँ भाई कैंसर की वजह से ही बंदा मरा है, और यू ऑलमोस्ट कैप्चर इट विद 90-100% एक्यूरेसी, राइट? तो क्या कोरोना भी ऐसा ही हो रहा है? आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आप जो कह रहे हैं डेटा ये नहीं कह रहा। डेटा ये नहीं कह रहा। देखिए जब मौतें ही, देखिए हमको रियलिटी पता है, चलो कैंसर पता चल गया, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब कई बार सलाह दे देते हैं आप घर पे ही चले जाइए और इनको शांति से, मतलब जो भी इनके बचे कुचे दिन है इनकी सेवा कीजिए, ठीक है। सो देयरफॉर इसका डिजीज स्पेसिफिक हमें निकालना पड़ेगा। जब तक डिजीज स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है तब तक, देखिए मैं ये मान के चलूंगा कि 95% कोरोना जो कम्युनिटी में है ये अननोन है, तो कोई माथे पे लेके तो नहीं घूम रहा है ना कि मैं कोरोना हूं, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो बीच बीच में कई चीजों पे सर्वे करता रहता है, इसमें यह पता चला है कि जिन लोगों को निमोनिया की तकलीफ थी, ठीक है, निमोनिया कोई भी कारण हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निमोनिया की तकलीफ थी, उनमें से सिर्फ 30-40% लोग ही अस्पताल गए। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ जी। अस्पताल गए, तो देखिए मैं ये आपको एक्स्ट्रा डेटा दे रहा हूँ ये बताने के लिए, और मेरा तो सिंपल प्रिंसिपल है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द कोविड इज अनडिटेक्टेड, ठीक है। जो देखिए जो कोरोना डिटेक्ट हो गया उसमें तो डेथ रिपोर्टिंग हो रही है, 100% हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा उसमें डेथ रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन वो कोरोना इज अ वेरी स्मॉल, ये एक आइसबर्ग फिनोमिनन बोलते हैं हम, आइसबर्ग, जब भी कोई बड़ा बर्फ का गोला जब वो अंटार्कटिका से टूट के समुद्र में गिरता है ना, तो जो हमें समुद्र के ऊपर दिखता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है, एक्चुअली जो समुद्र के नीचे होता है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो जो हमें वो बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा मतलब आप मान लीजिए एक बड़ी 20 मंजिली इमारत की साइज का एक बर्फ का गोला गिर के समुद्र में गिर गया है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर समुद्र के ऊपर दिखती है, बाकी जो 18 मंजिले वो नीचे है, तो हम जो कोविड पकड़ रहे हैं वो सिर्फ ऊपर का ही है, हाँ जी। बाकी नीचे है, तो उनमें हम डेथ तभी पकड़ेंगे जब हमारे आंख और कान खुले हैं, जब हमारा रूटीन सिस्टम को एंकरेज किया जा रहा है, और हम उस रूटीन सिस्टम जैसा भी हो 18%, 20%, 30% उसमें जो भी सस्पेक्टेड डेथ रिपोर्ट कर रहा है हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मांग लें वो डेटा और उस डेटा को कोविड डेथ्स में ऐड करते हैं।
तो बहुत सिंपल है जी, 95% अनडिटेक्टेड है. मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 90% अनडिटेक्टेड है, हम अमेरिका जैसे हैं, हम 10% कोरोना पकड़ रहे हैं. इसका मैं बाकी देशों का एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, ठीक है. यूके में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहां का टेस्टिंग बहुत अच्छा है, यूएस जैसा है, मतलब यू नो हर 10 लोगों में 2 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है वहां पे, ठीक है. हमारे यहाँ 100 लोगों में 2 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है, 2 से 3 लोगों का टेस्टिंग. तो वहां पे क्या करते हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें जो मौतें हो रही हैं उसको तो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है. दूसरा, जो सस्पेक्टेड कोविड है, जो कोविड अस्पताल में आ गया, उसको भी सस्पेक्टेड कोविड ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है. फिर बाकी जो भी रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उनका, वो डेटा उनका भरा जाता है. ये एक ऑनलाइन सिस्टम होता है उनका, कोई भी डेथ होती है उसका फॉर्म 2 का डेटा भरते हैं, फॉर्म 4 का डेटा भरते हैं, और वो काउंटी लेवल या कंट्री लेवल पे वो डेटा मिल जाता है. फिर वहां जहां किसी, और वो डेटा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 7 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मौत हुई, पंजीकरण हुआ, कॉज ऑफ डेथ हुआ, वो फॉर्म ऑफिस में ही पड़ा रहा है ना, फिर 7 दिन बाद उसको ऑनलाइन भरा गया, ठीक है. तो वो डेथ जहां जहां सस्पेक्टेड कोविड बता रहे हैं उसको वो फिर अपने टैली में इंक्लूड करते हैं. समझ में आ रही है? समझ गया. और फिर तो इसके बाद वो अपना कोविड 19 की टैली निकालते हैं, ठीक है. अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ. मैं आपको ब्राजील का एग्जांपल देता हूँ और इंडिया का एग्जांपल देता हूँ. ब्राजील बहुत बड़ा देश है, अभी शायद नंबर 2 में है, हमें और ब्राजील में कॉम्पिटिशन हो रही है कौन नंबर 2 नंबर 3 में है. ब्राजील बहुत बड़ा देश है, तो हम मान के चले पॉपुलेशन वाइज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन है ज्यादा, लेकिन साइज वाइज हमसे भी बड़ा है शायद ब्राजील. सर उनका अपना अमेज़न फॉरेस्ट इंडिया से बड़ा है. जी जी जी, ठीक है. और उनका जो एवरेज एज है, औसत उम्र है लोगों की, वो भी यंग है, हम भी यंग है. हाँ जी, ठीक है. तो हम ये माने कि पूछें कि उनकी जनसंख्या में कितने लोग 35 से नीचे हैं, और हमारी जनसंख्या में कितने लोग 35 से नीचे हैं. हाँ. हमारी जनसंख्या में कितने लोग 60 के ऊपर है, उनकी जनसंख्या में कितने लोग 60 के ऊपर है, ये तुलनात्मक, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, अरे इक्वल है ऑलमोस्ट. हाँ, ठीक है. ब्राजील में 100% डेथ रजिस्ट्रेशन और 100% कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन होता है. ये ब्राजील ऐसा कोई बड़ा, हाँ, कैसा ऐसा कोई बड़ा डेवलप्ड देश नहीं है. ब्राजील भी अपनी ही तरह है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग ही है. तो हाँ, पहले हमने साइज की बात की. हाँ जी, लोग बोलते हैं ना साइज ज्यादा है. दूसरा हमने बात की डेवलपिंग कंट्री है दोनों. तीसरा हमने बात की वहां पे डेथ रजिस्ट्रेशन कितना है, 100%. हमारे यहाँ कितना है, 18%. उनका टेस्टिंग कितनी है, हमसे 2 गुना ज्यादा है. मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा है, ठीक है. उनका यहाँ डेथ्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 500 डेथ्स पर 10 लाख पॉपुलेशन. 1 मिलियन विच इज 10 लाख पॉपुलेशन. हमारे यहाँ डेथ्स कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, 46 डेथ्स पर मिलियन. तो उनकी डेथ्स हमसे 10 गुना ज्यादा है. क्या एक्सप्लेन करता है, वो भी डेवलपिंग कंट्री, हम भी डेवलपिंग कंट्री. उनकी भी औसतन उम्र हमारे जितने, हम ये नहीं बोल सकते हमारे यहाँ बूढ़े लोग ज्यादा हैं इसलिए. वहां भी जितना बीपी शुगर, हमारे यहाँ भी उतना ही बीपी शुगर. वहां भी शहरों में जितना पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारे यहाँ भी. वहां पे भी स्लम्स है, हमारे यहाँ भी स्लम्स है. वहां पे भी रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे यहाँ भी उतने ग्रामीण क्षेत्र है. लेकिन 2 फर्क है, उनका डेथ रजिस्ट्रेशन और मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण 99-100% है, और उनकी टेस्टिंग हमसे 2 से 3 गुना ज्यादा है. मैं मान के चलता हूँ अगर टेस्टिंग बेटर होगी तो कंफर्म्ड कोविड डेथ ज्यादा पकड़े जाएंगे. सिंपल कॉमन सेंस है, ठीक है. और प्लस बाकी जो सस्पेक्टेड है वो आपके रूटीन डेथ सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम बना हुआ है डेथ पंजीकरण का और उसका, उससे पकड़ा जाएगा. तो मेरे को ये 2 बहुत बड़े कारण लगते हैं. देखिये वहां पे भी इंसान है, हमारे यहाँ भी. और एक और चीज, हाइजीन. हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हमारे यहाँ हाइजीन है, हम बचपन से मिट्टी में खेलते हैं, तो हमारे यहाँ भी इम्यून. हम क्या है ना, हम बोलते हैं कि यूके यूएस में तो सब लोग बहुत हाइजीन का ख्याल. मैं आऊंगा उस सवाल पे. हाँ जी, हाँ. तो ब्राजील में भी हमारे जैसा ही है. तो ये जो 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये क्या क्या कारण. मुझे सिंपली लगता है हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग हो रही है. और एक और चीज समझना है कि हम पैंडेमिक, हमारे यहाँ जो एपिडेमिक बोलते हैं, पैंडेमिक तो विश्व स्तर पे बोलेंगे, एक देश में एपिडेमिक बोलेंगे. कोरोना का जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक तब बोलते हैं जब एक बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है.
वो किस स्टेज पे है, ठीक है। अगर ब्राजील में वो आगे किस स्टेज में पहुंच गया तो मौतें वहां ज्यादा होंगी, क्योंकि ये मौतें तो हम जोड़ते रहते हैं ना, तो मौतें हमेशा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी ना। अगर आज 10 हैं तो कल 12 ही होंगी ना, 8 तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो आज मौत है कल जो होगी उसको हम ऐड करेंगे। हाँ जी। तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ब्राजील में हम एपिडेमिक में कहाँ हैं? अब क्या पूरा देश चपेट में आ गया है, अभी केसेस वहां कम हो रहे हैं, वो सब भी देखना है। तो मोटा मोटा मुझे यही लगता है जैसे जैसे पूरा देश इसकी चपेट में आएगा हम वही 300, 400, 200, 300 के आसपास पहुंचेंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर रिपोर्टिंग सही हो, अभी हम रिपोर्टेड डेथ्स के बेसिस पे जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है जब हम रिपोर्टेड डेथ्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं रिपोर्टेड डेथ्स, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वहां पे जिस देश में मृत्यु दर ज्यादा है, रिपोर्टेड मृत्यु दर, क्या वहां पे डेथ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ की दर ज्यादा है? हाँ। क्या वहां पे टेस्टिंग हमसे ज्यादा है? हाँ। क्या वहां पे रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन में जो सस्पेक्टेड डेथ कैप्चर हो रहे हैं क्या वो उसको जोड़ रहे हैं? हाँ। इन सब सवालों का जवाब हाँ है, और हमारा सबका जवाब ना है। तो हम जब भी कंपेयर करें थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। कंजर्वेटिव मतलब उछल गए, मतलब नहीं हमारा है 40 लेकिन हमारा लो है, ये बोलने के पहले हमें सोच विचार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का रिपोर्ट पढ़ रहा था फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उन्होंने उन्होंने साला कोरोना फ्लैट कर दिया, उनका सारा कम हो गया, ये सब मैं जब पढ़ रहा था ना तो मतलब वो हेरा फेरी में जैसे पीछे गाना आता है ना, गोलमाल है भाई सब गोल, ये आ रहा था मेरा। क्योंकि मेरा यही कहता हूं मैं, क्योंकि लाइक लोग कहते हैं, लोग ब्लेम करते हैं ना कि महाराष्ट्र में इतने हो गए, तमिलनाडु में इतने हो गए केसेस, ये भाई क्योंकि तुम शुक्र करो क्योंकि वो ऑनेस्टली रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ज्यादा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ये जो मैं ये एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर पाकिस्तान की तरफ आऊंगा, ठीक है। हाँ जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और ये बहुत जरूरी है जानना, और हमने द हिंदू आर्टिकल में भी डाला था, करण थापर जी के इंटरव्यू में हम ये बता नहीं पाए समय के कारण। अगर हम रिपोर्टेड डेथ्स के बेसिस पर जाए, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम डेथ्स पर मिलियन कैलकुलेट करें, कोविड डेथ्स पर मिलियन मतलब 10 लाख लोग हैं उनमें से कितनों की मौत हो रही है कोविड की वजह, और उसके बेसिस पर हम टॉप 10 स्टेट्स की एक सूची बनाएं, ठीक है। फिर हम एक और अलग सूची बनाएं टॉप 10 स्टेट्स की बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कोविड 19 डेथ्स, और ये एस्टिमेटेड जो मैंने एक एग्जांपल दिया, जो हमने एक मेथोडोलॉजी यूज की है कि जो भी उसका मृत्यु पंजीकरण और मौत के कारण का प्रमाण, चिकित्सक प्रमाण का जो दर है वो मान के हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा के, हर स्टेट का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है, वो लगा के हम एक स्टेट की एस्टिमेटेड डेथ्स करें, ठीक है। तो जब हम ये टॉप 10 स्टेट्स बेस्ड ऑन रिपोर्टेड डेथ्स पर मिलियन और टॉप 10 स्टेट्स बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कोविड 19 पे जाएं, रिपोर्टेड वर्सेस एस्टिमेटेड, हाँ, तो रिपोर्टेड जो टॉप 10 स्टेट्स हैं उसमें यूपी, उसमें झारखंड और उसमें मध्य प्रदेश का मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम एस्टिमेटेड में जाएं तो वो एंट्री मारते हैं टॉप 10 में। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात, बिहार और वेस्ट बंगाल, बिहार का रैंक अगर आप रिपोर्टेड से जाएं तो रैंक है अराउंड 25, ये मैं 31 जुलाई की डेटा की बात कर रहा हूं, हां सर, कुछ बदला नहीं, आप टेंशन मत लो, आई एम बीइंग डेटा से चिपक रहा हूं मैं, हां जी, डेटा के हिसाब से, हां जी। तो 25 रैंक था, ठीक है, तो वो रैंक बढ़ के हो गया 17th, ठीक है। वेस्ट बंगाल का रैंक बेस्ड ऑन रिपोर्टेड डेथ्स था 10 और एस्टिमेटेड डेथ्स के बेसिस पर उसका रैंक बढ़ गया 6। तो और ये जो 5 राज्य हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट, स्टेट्स के लोग इसको पर्सनली ना, एक एग्जांपल, क्योंकि उनका उनके उनका कारण ही नहीं है ना, स्टेट्स का कोई रीजन ही नहीं है, उनके पॉलिटिशियंस को कोई रीजन ही नहीं है, तो सिस्टम ऐसा है, सिस्टम है, ठीक है। तो आप यूपी का एग्जांपल ले लो, मैंने आई थिंक एमपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट्स के एग्जांपल दिए थे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यूपी, एमपी और झारखंड टॉप 10 में एंट्री मारते हैं अगर हम एस्टिमेटेड डेथ्स लें, और बिहार और वेस्ट बंगाल में बढ़त होती है और सिग्निफिकेंट बढ़त होती है, वो 10 से 6 पहुंच जाता है वेस्ट बंगाल और बिहार पहुंच जाता है 25 से 17। ये जो 5 स्टेट्स हैं
अगर इन पांच स्टेट्स में जाएं और अगर हम रिपोर्टेड डेथ्स के बेसिस पे जाएं, इन पांच स्टेट्स की रिपोर्टेड डेथ्स ऐड करें, तो इन पांच स्टेट्स में दे कंट्रीब्यूट टू 12% ऑफ द टोटल डेथ्स, रिपोर्टेड डेथ्स, ठीक है। बट अगर हम एस्टिमेटेड डेथ्स से जाएं, तो ये पांच स्टेट कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ द टोटल डेथ्स, टोटल एस्टिमेटेड डेथ्स। कहां 12%, कहां 43%। वही ना सर, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां केसेस ज्यादा हैं और डेथ ज्यादा है, यहां उल्टा कैसे हो गया भाई? जी, और एक और एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी आपको पाकिस्तान वाले में आऊंगा। ये जो पांच स्टेट्स हैं 31 जुलाई को, ये वही पांच स्टेट्स थे जहां पे टेस्टिंग पर मिलियन 10,000 से कम थी। समझ में आ रहा है, कोई चांस तो नहीं हो सकता। तो और यहाँ पे टेस्ट भी नहीं हो रहा, रिपोर्ट भी कम हो रहा है, और यहाँ पे फोकस ही नहीं जा रहा है। सारा फोकस यूपी नहीं, कहां है अपना, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, और यहाँ के हेल्थ सिस्टम्स अच्छे हैं, ये संभाल लेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई में उन्होंने बेड्स बढ़ा दिए हैं, चेन्नई में भी अभी हालत सुधर चुकी है, लोग अपने नॉर्मल लाइफ पे जा चुके हैं। प्रॉब्लम है इन बाकी स्टेट्स में, यहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए। एंड आई सिंसियरली वॉन्ट कि सारे स्टेट्स को, आई डोंट वॉन्ट टू गो बाई नेम्स, सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाए। हाँ, आपने हमने ICMR में गाइडलाइंस डाले, बट आई वुड लाइक, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आए हैं कि कोई भी स्टेट सस्पेक्टेड डेथ रिपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आई होप ये हो। जो आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी टेस्ट पर मिलियन हमारे जैसे ही है, शायद अभी कम हो गए, शुरुआत में वो हमसे ज्यादा थे, अभी उनका टेस्ट पर मिलियन हमसे कम हो गया है। और उनकी भी जो वही मैं ये बार बार कहता रहता हूँ ताकि लोगों के दिमाग में जाए, मृत्यु पंजीकरण दर और मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण दर, ये देखें तो उनका, तो ये डेटा मैं कहाँ से लाया, हर कंट्री का, हर कंट्री ये डेटा WHO को सबमिट करता है, तो WHO की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, हर कंट्री का कितना प्रतिशत है। उनके इसमें ब्लैंक है, मतलब या तो जीरो है, या तो बहुत खराब है, या तो करते हैं लेकिन वो डेटा WHO को सबमिट नहीं किया है। लेकिन जहां ब्लैंक है, मोटा मोटा मान के चलते हैं कि वहां पुअर होगा। नेपाल का भी ब्लैंक है, बांग्लादेश का भी ब्लैंक है, मतलब वो डेटा सबमिट नहीं किया। हम मोटा मोटा मान के चले कि वहां पे भी, मुझे पता है वहां का सिचुएशन भी यही है, तो वहां पे भी रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन और वहां पे भी सस्पेक्टेड डेथ कैप्चर नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात? समझ गया, ठीक है, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस इन इंटरप्रेटिंग द डेटा दैट वी गेट कि कम है बोलने के पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। हाँ जी, मेरा आई हैव अ सेइंग राइट कि योर कोविड नंबर्स आर एज हाई एज योर ऑनेस्टी, दैट इज द प्रॉब्लम आई गो विथ। सी एंड आई डोंट जज एनी स्टेट व्हेन इट हैज हाई कोविड नंबर्स बिकॉज एटलीस्ट वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो रिपोर्ट तो कर रहे हैं भाई, उनकी तारीफ करो, जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा शक की निगाह से देखो यार थोड़ा। हाँ जी, आई टोटली अग्री। मैं ये एक पॉइंट ऐड कर दूं, जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया को, लोगों को, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। एग्जैक्टली, चलो देखो, इजिली अवॉइडेड रिपोर्टिंग इट, राइट। जैसे कि दिल्ली में अभी बोला गया कि वहां पे 2,800 केसेस आए, मतलब दिल्ली में जून में थोड़े केसेस बढ़ गए थे जब अनलॉकिंग स्टार्ट की थी और दिल्ली ने पूरा अनलॉक कर दिया था, और फिर वहां पे एक महीने के लिए, एक दो हफ्ते के लिए बेड की मारा मारी थी, फिर एक महीने में थोड़ा सेटल हो गया, फिर जुलाई अगस्त में आते आते 700-800 केसेस ही होते थे, ये रिपोर्टेड केसेस अगेन। अभी जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 2,000-2,500 पर डे हो गए हैं, ठीक है। तो लोग, अरे दिल्ली में केसेस ज्यादा हो गए, अरे उन्होंने अपनी टेस्टिंग भी तो बढ़ाई है, दे वॉन्ट टू टेस्ट एज आई 20,000 टेस्ट, तो दे आर रिपोर्टिंग। तो उनका सिंपल फंडा है कि हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन पे हम नहीं जाते, हम फोकस करेंगे जितने पॉजिटिव केसेस हैं उनको पकड़ेंगे, उनका हम केयर देंगे। सो इफ एनी स्टेट इज रिपोर्टिंग, वी शुड एनकरेज देम। और ये मीडिया में या हम लोगों में हमको हाहाकार नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे 500 हो गए जी, यहाँ पे 800 हो गए, सिंपल सा रिपोर्ट ही नहीं करते। सो एबसेंस ऑफ एविडेंस डज नॉट मीन एबसेंस ऑफ इन्फेक्शन और एबसेंस ऑफ डेथ।
ये एक saying है, बहुत famous saying है, और मेरे कुछ दो तीन public health expert दोस्त हैं, ये बहुत commonly इसको use करते हैं. मतलब अगर प्रमाण ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं है. ये ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच. हाँ, वो जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत बड़ा होता है. वो बोलते हैं कि अगर एक ऑस्ट्रिच इंसान को लात मार दे तो इंसान की मौत हो सकती है. ऑस्ट्रिच जब डर जाता है ना तो अपना सर मिट्टी में डाल देता है, छुपा लेता है अपना सर. हम वो नहीं करना है. हम इतनी सैड स्टेट में है ना कि मतलब हमारे नंबर्स तभी बढ़ेंगे जब हमारी टेस्टिंग बढ़ेगी. मतलब ऐसा है कि मैं इतने दिन एक गलत फहमी में था कि यार लोग बड़े केयरलेस बनते जा रहे हैं इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग बड़े लीनियंट बनते जा रहे हैं. नहीं, लोग पहले से पहले जैसे थे वैसे ही है, टेस्टिंग बढ़ती जा रही है. जी, okay, जी. हमें लोगों पे नहीं डालना चाहिए. लोग पूरी कोशिश, देखो कभी भी मैं एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर हूँ, मुझे ये पता है. एक सिंपल सी चीज है, हमको मेरे प्रोफेसर ने सिखाई थी, आप 100 लोगों को कुछ उनके उनके फायदे की चीज बताओ. ठीक है, सबको पता है कि उससे उसको फायदा होगा कि आपको जी रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक पब्लिक हेल्थ इंटर, या आपने बोला कि आप सबको अपनी शुगर बीपी की जांच करानी चाहिए, या आप सबको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी है जो आपको फायदा होता है. तो 16% लोग उसको इमिडिएटली करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक नया मोबाइल फोन आ गया मार्केट में, कुछ लोग होते हैं उनको लेटेस्ट चाहिए, बाकी 16% है थोड़ा इंतजार करेंगे, जी मॉडल में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा. बाकी 16% है देखते हैं जी, आगे देखते हैं. आखिरी जो 16% है कुछ भी कर लो. तो वो टस्से मस नहीं होने. उनको हम ठूट बोलते हैं अपनी हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी या राजस्थानी पता नहीं, उसको ठूट बोलते हैं. ठूट वो पेड़ होता है जो सालों वहीं पड़ा रहता है, लेकिन उनमें, लेकिन हमको ये सच मान के चलना पड़ेगा ना. सो सी वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, टेस्टिंग करके हम केसेस डिटेक्ट कर रहे हैं और उनमें से डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर किसी कंट्री में या स्टेट में कोई टेस्टिंग हो रही है, कोई भी रेट हो, जब तक वो सस्पेक्टेड डेथ भी रिपोर्ट कर रहे हैं अपने रूटीन डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, मैं खुश हूं. ठीक है, इसमें अगर आप टेस्टिंग बढ़ाओगे तो फायदा यही होगा कि केस जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा. जल्दी जल्दी पकड़ा जाएगा तो गंभीर बीमारी पहले ही पता चल जाएगी, क्योंकि आप मॉनिटर करेंगे ना. डॉक्टर होम आइसोलेशन होगा, डॉक्टर उनको सुबह शाम कॉल करेंगे, उनको पल्स ऑक्सीमीटर देंगे. तो अगर ऑक्सीजन कम हो गया अचानक से एडमिट कर दो. अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, सीधा बेहोश होके वो अस्पताल में आएगा, क्योंकि पता ही नहीं मुझे कोरोना है, और वो फैलाएगा भी. लेकिन ये भी समझना है, टेस्टिंग सबकी नहीं कर सकते, इतना नहीं है हमारे पास पैसा. तो ये एक बैलेंस करना पड़ेगा, जितना टेस्टिंग कर सकते हैं करें, जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करके टेस्टिंग करें, साथ साथ सस्पेक्टेड डेथ्स भी रिपोर्ट करें. इससे मैं खुश हूं अगर सस्पेक्टेड डेथ रिपोर्ट हो. दूसरा क्रिटिसिज्म आपका आपके रिपोर्ट पे ये था कि आप कह रहे हैं कि बिहार में, बिहार जैसे स्टेट में या यूपी जैसे स्टेट में या एमपी जैसे स्टेट में डेथ्स कम होती हैं क्योंकि रिपोर्टेड डेथ्स क्यों कम होती है, क्योंकि लोग दूसरे अच्छे स्टेट्स में जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने. तो अगर अगर कोई स्टेट का जैसे तमिलनाडु या दिल्ली का बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और वहां ज्यादा डेथ्स, रिपोर्टेड डेथ्स कैप्चर होती हैं क्योंकि दूसरे स्टेट से भी वहां आते हैं लोग एडमिट होने, ठीक है. तो क्या आपने ये कैलकुलेशन फैक्टर इन किया है अपने कैलकुलेशन में, when you are ब्लेमिंग स्टेट्स लाइक यूपी, क्योंकि यूपी से भी बाहर भी जाते हैं ना लोग. अब आंध्रा का बंदा वेलोर के सीएमसी में आके उसकी डेथ हो गई, या चेन्नई के हॉस्पिटल में, या क्योंकि आंध्रा वाले बहुत सारे जाते हैं तमिलनाडु को ट्रीटमेंट लेने, वहां डेथ होगी तो वो तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन में आएगा ना. तो जब आप आंध्रा को कैसे ब्लेम करेंगे कि भाई आप कम डेथ्स कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि वहां डेथ हो ही नहीं रहे. ठीक, तो देखिए ये एक पॉइंट आपका सही है, ठीक है. लेकिन आप दिल्ली में देख लो, अभी अगर 100 पेशेंट एडमिटेड हैं, कितने बाहर से हैं, 10% है, 7% है, अभी कल का डेटा निकला है ना. तो ये एक फैक्टर है, लेकिन आपको मोटा मोटा समझना पड़ेगा. और आपने बताया डेथ रजिस्ट्रेशन होती कैसे है. डेथ रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ डेथ, नॉट फ्रॉम वेयर द पर्सन कम्स. तो आपने ये तो माना यूपी से कोई दिल्ली आ रहा है तो बंदा यूपी का है और यूपी के बंदे की मौत हो रही है, चलो ये तो माना कम से कम. तो चलो दिल्ली में प्लेस ऑफ डेथ के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है. तो जो भी है, देखिए ये
जो पर्सन दिया, देखिए बहुत अभी मैं डिटेल्स में जाना पड़ेगा क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है, ये जो 86% है ये कहां से निकलता है? बोल रहे हैं कि हमारा मृत्यु पंजीकरण दर नेशनल लेवल पे 86% है, ठीक है, महाराष्ट्र का 98% है, दिल्ली का 100% है, ये हम कैसे करते हैं? तो इसका डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हिंदी में कैसे बोलेंगे अजीब, क्योंकि हमारे हिंदी श्रोताओं को, सर गूगल ट्रांसलेट करें क्या अभी के अभी? कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मीनिंग ऑफ न्यूमरेटर इन हिंदी, हिंदी और डिनोमिनेटर, क्योंकि ये समझ, क्योंकि मैं बार बार इसको यूज करूंगा। यार न्यूमरेटर को मीटर बोल रहा है यार गूगल। चलो रहने दो, सिंपल सी बात है, देखो अगर आप, मैं बताता हूँ सबसे सिंपल सी बात से, आप कह रहे हैं 86% रजिस्ट्रेशन हो रहा है इंडिया में डेथ का, ठीक है, 86 हो गया अपना न्यूमरेटर, 100 हो गया अपना डिनोमिनेटर, तो आप बताएं, आप बताएं। हम बढ़िया बढ़िया, तो ये जो डिनोमिनेटर जो कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है अपना एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक चलता है पैरेलली, और ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, कुछ सैंपल ले लेते हैं देश में, सैंपल मतलब कुछ, अब देखो पूरे देश का तो नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ सैंपल एरिया ले लिए हमने, कुछ गांव ले लिए, कुछ अर्बन ब्लॉक्स ले लिए, और इतने ज्यादा ले लिए ताकि इसमें जो भी हो रहा है हम बोल देंगे देश में भी इतना ही हो रहा है, ठीक है ना। अभी जब मैं बोलूं कि दिल्ली में कोरोना कितना फैला है, तो मैं सब दिल्ली वालों का टेस्ट तो नहीं कर सकता, मैं कुछ 1-2 लाख दिल्ली वालों का लूंगा, और मैं मान के चलूंगा कि ये 1-2 लाख बाकी दिल्ली वालों के समान, तो ऐसे कुछ सैंपल, हाँ रिप्रेजेंटेटिव है, तो कुछ सैंपल में जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ होल इंडिया, उसमें सारे बर्थ्स और डेथ्स की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, हर बर्थ और डेथ, और उसके लिए एक पार्ट टाइम एन्यूमरेटर होता है जो उसका काम ही होता है सर्वे करना और कोई भी बर्थ डेथ है रिपोर्ट करना, और एक फुल टाइम सुपरवाइजर होता है, सरकारी मुलाजिम होता है वो, उनकी दोनों डेटा टैली होती है और निकलता है कि साल में कितने बर्थ और डेथ हुई, ठीक है। ये जो डेटा निकलती है, इससे राज्यों के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एस्टिमेट्स निकालते हैं कि कितनी मृत्यु और कितनी बर्थ हुई है, जन्म हुए हैं, तो अपने को मृत्यु से लेना देना है, तो ये डिनोमिनेटर में जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 98% डेथ्स रजिस्टर हो रही हैं, तो हम डिनोमिनेटर में SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के एस्टिमेट से जाते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक साल में कितनी मौतें हुई हैं, और न्यूमरेटर में डालते हैं कि हमारा जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो मृत्यु का पंजीकरण का सिस्टम है उसमें कितनी मौतें रजिस्टर हुई है, तो उसको डिवाइड कर लो, महाराष्ट्र का 98% निकलता है, देश का 86% निकलता है, सिंपल सी बात हो गई। फिर वो जो मौतें हो रही, वो तो ये इसमें जो मौत निकल रही है इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है ना, इसमें जो 86% है इसमें भी न्यूमरेटर में कुछ लोग बाहर से आके इधर आ जाते हैं, तो ये तो डिसएडवांटेज हमको मान के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो 86% मैंने यूज किया, और वो मैंने फिर उसके बाद उनमें से कितनों का मौत का कारण का चिकित्सक प्रमाण होता है, ठीक है। तो यही सिस्टम में अगर 40 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं दिल्ली में, और अगर दिल्ली में हम मान के चले कि 63% है या 64% है परसेंटेज मौतें जिनका मृत्यु का पंजीकरण भी हो रहा है और मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण भी मिल रहा है 64% है, तो इसका इनवर्स निकाल के 1.6 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया। तो अगर 40 मौतें हो रही हैं, तो मैं 40 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 40 मौतें हो रही है मतलब हम मे बी हम रिपोर्टेड 40 रिपोर्ट हो रही है मतलब हम मे बी हम 10 मिस कर रहे हैं, मे बी हम 6 मिस कर रहे हैं, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 20 हो गया ना, 25-26 कुछ होगा, 25-26 के आसपास। हाँ जी, तो अगर दिल्ली में रिपोर्टेड डेथ 40 से 50 हैं, तो शायद एस्टिमेटेड डेथ 70 हों। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम फॉलो किया, बहुत सिंपल है, और ये जो पॉइंट बताया गया है, और ये तो परसेंटेज भी जैसे रूटीनली निकालता है, इस पॉइंट को मान के ही निकाला जाता है, बात समझ में आ गई ना आपको?
तो हमने वही हमने क्या कितना रिपोर्ट होता है और उस रिपोर्टेड को एडजस्ट किया फॉर द प्रिवेलिंग कवरेज ऑफ डेथ रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। मैं अभी एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि यार इस कोरोना के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पैंडेमिक में कौन दूसरे स्टेट में जाके मर रहा है यार कोविड लेके, जहां मर रहा है वही मरेंगे ना लोग। मतलब ये तो इनवैलिड क्वेश्चन है। मैं पढ़ा था एक क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं लेकिन कुछ लोग जाते हैं लेकिन हमने वो डेटा भी दे दिया आपको, दिल्ली में 100 भर्ती है तो कितने एडमिटेड हैं। हाँ जी ठीक है ना, तो ये तो बाल की खाल निकल। देखो हमारा मेन पॉइंट है और हमने द हिंदू के आर्टिकल में यही लिखा है कि हमारा मेन पर्पस है कि बताना कि कितना पॉसिबिलिटी है अंडर रिपोर्टिंग का। और हमने जब करण थापर जी के इंटरव्यू में भी बताया था ये नंबर डरने लायक नहीं है। हाँ जी। क्योंकि हमने बताया था कि कितने टीबी में भी ऐसे ही होता है, हमने फिर सीजनल इन्फ्लुएंजा के भी नंबर दिए थे। और अगर हम ये 1.9 लाख को डेथ्स पर मिलियन में लें तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू 140 डेथ्स पर मिलियन, और 140 डेथ्स पर मिलियन इज इक्वल टू व्हाट साउथ अफ्रीका इज रिपोर्टिंग, व्हिच इज ओके। और बाकी व्हिच इज ओके, बाकी सारी कंट्रीज का 300 400 500 है। ठीक है ना, लेकिन हमें इसमें स्टेज ऑफ पैंडेमिक भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ जी। अब वियतनाम जैसा देश है, अब वियतनाम का सोचो, वियतनाम जैसा देश है उसने फॉरेन से आने वाले लोगों की फेब में ही बंद कर दिया सब। हाँ। तो ना रहेगी बास ना बचेगी, बांसुरी टाइप हो गया। तो इसलिए वहां पे फिर वो जो रेस्पॉन्स टू पैंडेमिक जो बोलते हैं वो भी देखना है ना। जितना बेटर रेस्पॉन्स उतना बेटर उतनी कम मौतें होंगी, कम मौतें होंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमें सेब को सेब से कंपेयर करना है। हाँ जी। हमें सेब को क्या तरबूज से कंपेयर नहीं करना है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं इन सब कारणों को देखें कि टेस्टिंग कितनी हो रही है, डेथ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा है वहां पे जो सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट हो रही है कि नहीं, पहले तो वो सिंपल सी बात। और अगर रिपोर्ट हो रही है तो क्या वो रूटीन सिस्टम से उसको कोविड में डाल रहे कि नहीं डाल रहे। फिर वहां पे एक और सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर टेस्टिंग अच्छी है, ठीक है, आपका डेथ रजिस्ट्रेशन बढ़िया है, आपका मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण का सिस्टम भी बढ़िया है, इसके बावजूद भी COVID-19 डेथ्स मिस हो सकती हैं, और वो कारण है एरर्स, मैंने पहले बात की थी, एरर्स इन कॉज ऑफ डेथ। और ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इंसान ही करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। और यार कोई घर में किसी की मौत हो गई, मेरे को सपने में थोड़ी आया कि ये कोविड ने किया है। हाँ जी सब ठीक थे। अब अगर आपको किसी के घर जाओ ना, हमने कई बार ये चीज की है कि बाद में जब मैंने ट्रेनिंग के दौरान घर में मौत होगी तो जाते थे कि मौत का कारण क्या था, मतलब जो अगर अस्पताल में डेथ नहीं हो पाई तो वो चिकित्सक प्रमाण नहीं मिलता है, तो हम घर में जाके एक सिस्टम है तो उसको वर्बल ऑटोप्सी बोलते हैं। परिवार वालों से पूछते हैं जी क्या हुआ था जी, और मोस्टली आपको क्या मिलता है, हाँ जी सुबह ठीक थे, नाश्ता किया, पानी पिया, फिर उन्होंने पानी लेना बंद कर दिया और शाम को चले गए। क्योंकि एक फैमिली के लिए खाना खाना है और पानी पी रहा है कि नहीं इंसान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से क्या है, उनको क्या सांस लेने में तकलीफ थी, उनको क्या पेशाब में प्रॉब्लम, हम ऐसे सवाल पूछ के फिर मौत का कारण जानने की कोशिश करते हैं। कई बार नहीं पता चलता तो हम लिख देते हैं ओल्ड एज या न्यूमोनिया ऑफ अननोन कॉज, मतलब न्यूमोनिया हुआ था ऑफ अननोन कॉज, है ना। तो इसको कैसे पकड़ा गया मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में मौत का पंजीकरण हो रहा है उसकी डेटा सार्वजनिक की जानी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, हाँ ऑडिट नहीं सार्वजनिक कर, मैं आपको बताता हूँ। न्यूयॉर्क में एक सिंपल उन्होंने एनालिसिस की कि जो ये डेथ रजिस्ट्रेशन होता है ना उसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि मौत घर में हुई या अस्पताल में हुई। तो इससे आपको ये डेटा निकल जाएगा कि कितनी मौतें घर में हो रही हैं। तो न्यूयॉर्क में अप्रैल में वो तब तक वो कंफर्म्ड डेथ की रिपोर्ट कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव में जो डेथ हो रही है। तो न्यूयॉर्क में उन्होंने फिर एनालिसिस की कि हमारे यहाँ पे कोविड के पहले न्यूयॉर्क शहर में एक दिन में औसतन 25 होम डेथ्स होती थी। ओके। और ये डेटा कहां से है, उनका डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम रूटीन। मैं बस मौतें होती थी कोई भी कारण से हो, होम डेथ नेचुरल, होम डेथ ठीक है। और कोविड के टाइम पे ये मौतें 100 200 300 इतनी बढ़ गई थी पर डे। व्हाट एल्स एक्सप्लेन्स। और पिछले एक दो साल में ये ऑलमोस्ट 20 25 ही रहा है।
हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई डेथ रेट बढ़ रहा है इसलिए, तो क्या एक्सप्लेन कर सकता है, कोविड ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो जो ये होम डेथ्स हुई, जो एक्स्ट्रा होम डेथ्स थी, इनका ऑडिट करवाया, है ना, हो सकता है इनमें कोविड कारण हो, ठीक है, और उन्होंने फिर उनमें सस्पेक्टेड कोविड डालना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने जो जो मौत के कारण का चिकित्सक प्रमाण दे रहा है, वहां पे तो 100% होता है, उसको बोला कि कोविड 19 के लिए अपनी आंख और कान खुले रखो, खुले रखो, है जी। तो फिर उनको जहां कहीं भी वो एक्सरे करते थे, जो भी है ना, या कई बार होता था जी ये ओल्ड एज होम में मौत हो गई, इसके पड़ोसी को भी कोविड था, ठीक है, इसकी वहीं पे मौत हो गई, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हो पाया, तो वो सस्पेक्टेड, और सांस की प्रॉब्लम थी जो भी था, सस्पेक्टेड कोविड 19 लिख दिया। और फिर इसमें इन डिटेल जाना पड़ता है, कोई और कारण तो नहीं हो सकता, ये इसका एक मेडिकल वो होता है, ठीक है ना। तो ये गलती जानबूझ के नहीं हुई ना, मतलब ये तो रूटीनली भी वो लिखता था, ओल्ड एज से मर गया जी, एग्जैक्टली, है ना। तो फिर उन्होंने समझा, तो एक और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की, देखो पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं रवीश कुमार को बहुत फॉलो करता हूँ, वो बोलते हैं पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। पढ़ रहे हैं ना सर व्हाट्सएप में, क्या बोल रहे हो आप? बोलिए बोलिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सिंपल स्टडी की, उन्होंने 29 कंट्रीज का डेटा लिया, ठीक है, उसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है, 29 कंट्रीज का डेटा लिया, जहां पे मृत्यु का जो पंजीकरण हो रहा है नंबर कोविड के टाइम पे, मतलब मान लेते हैं मार्च से लेकर जून, उन्होंने वो नंबर्स निकाले, ठीक है, कुछ जगहों पे पूरे देश के नंबर निकाले, कुछ जगहों में उस देश के सिटी के नंबर निकाले, ठीक है। तो कोरोना के टाइम पे उस जगह पे कितनी मौतें रजिस्टर हुई थी इन सारे 29 कंट्रीज में या उन शहरों में, और कोरोना के पहले उतने ही टाइम के लिए, मान लेते हैं उन्होंने अप्रैल से जून लिया, तो पिछले साल अप्रैल से जून कितनी मौतें हुई थी, और वो डिफरेंस निकाला, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा मौतें हैं, और ये एक्स्ट्रा मौतें अपनी कोरोना की मौतें हैं, क्योंकि नई बीमारी आई है कम्युनिटी में, और क्या एक्सप्लेन कर सकता है। फिर उन्होंने देखा हमने कितनी कोरोना रिपोर्ट किया इन 29 कंट्रीज से, और कितनी एक्स्ट्रा डेथ्स है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा डेथ्स है इनको मान के चलते एस्टिमेटेड कोविड डेथ्स, और ये जो रिपोर्टेड कोविड डेथ्स हैं ये इससे 1.4 टाइम्स ज्यादा थी। लो दुनिया का कोविड डेथ काउंट ही मतलब डुलमुल है। हाँ, इसमें नहीं कहना चाहिए। हाँ, इसमें डुलमुल नहीं कहना चाहिए, एक प्रक्रिया है। हाँ, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये मतलब जब तक हम खुले मन से इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको डोलमोल नहीं कहना चाहिए, इट्स अ प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू लर्न, वी आर ट्राइंग टू करेक्ट आवरसेल्फ। तो 1.66 फिगर निकला था, आई थिंक 161,000 डेथ्स वर मिस्ड ग्लोबली इन दिस 29 स्टेट्स एज ऑन 31st जुलाई, एंड अगर आप इन डेथ्स को, ये जो एडिशनल डेथ्स हुई हैं, एक्स्ट्रा डेथ्स हुई है, मतलब क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोविड के टाइम कितनी मौतें हुई, कोविड के पहले कितनी मौतें हुई, इसका डिफरेंस, ठीक है, इस डिफरेंस को रिपोर्टेड कोविड डेथ से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये होगा कोविड डेथ जो रिपोर्ट नहीं हुई थी, एग्जैक्टली, वो रफली 160,000 था। तो अगर आप एस्टिमेटेड डेथ्स ले और ये ले, तो अराउंड 1.4 टाइम्स। हाँ जी, और ये गलत, ये इसका कारण था, रजिस्ट्रेशन कारण नहीं था, क्योंकि ये जो कंट्रीज यू इंक्लूड की थी, लगभग इंडोनेशिया के कुछ सिटीज को छोड़ दे, वहां पे थोड़ा खराब है, लगभग सब जगह डेथ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 100% था। The only thing that explained, और यहाँ पे most of the जगहों पे suspected death को भी report कर रहे थे, most of the जगहों पे, the only thing that explains is errors, तो मतलब और चौकन्ना रहने की जरूरत है, जहां जहां होम डेथ है चौकन्ना रहिए, exactly. शायद suspected deaths हो सकती है, exactly. बेल्जियम तो एक एक्सेप्शन है जी. उसने जहां जहां एक्सेस डेथ्स हैं, जहां जहां कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सबको कोविड डेथ बता दिया, लो. क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कम आंकना नहीं चाहते मृत्यु दर को, हम ज्यादा ही आंकेंगे ताकि हम गलती उस तरफ करें, ना कि कम आंकने की साइड करें, ताकि हमारा जो रेस्पॉन्स हो वो कभी कम ना पड़े। एग्जैक्टली,
बेल्जियम इज रिपोर्टिंग 700 कोविड 19 डेथ्स पर मिलियन. ये मान के चलना पड़ेगा बेल्जियम छोटी जगह है, तो वहां पे कोविड बढ़ के कम भी हो गया है, तो हमारे यहाँ भी बढ़ ही रहा है. ठीक है, तो बढ़ रहा है, तब हमारे एस्टिमेट के हिसाब से एस्टिमेटेड कोविड 19 डेथ्स अराउंड 140 पर मिलियन. अभी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पीक पे रहेगा पीक पे रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर खत्म होगा. कुछ लोग बोल रहे हैं अगले जून तक जाएगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, एक जिला ही एक यूरोपियन बेल्जियम जैसा है. हाँ जी, तो हमको टाइम लगेगा. तो अगर वो 700 रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि बेल्जियम में हालत खराब है. बेल्जियम में टेस्टिंग भी हर 10 लोगों में 2 लोगों की कर रहे हैं, वहां मृत्यु का पंजीकरण भी बढ़िया है, वहां पे सस्पेक्टेड डेथ्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा डेथ्स जहां पे कोई मतलब कोई डेथ हो गई अनएक्सप्लेन्ड, बस कोविड बता दो जी. ठीक है, ये उन्होंने किया है. कुछ ये अच्छी बात है, ये भी यही यही स्ट्रेस करना चाहिए कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो आप इतने डेथ्स रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स यही यहाँ है, अगर मान लो आपके एक्चुअल डेथ्स इतने ही हो रहे हैं, तो फिर भी अच्छा है ना रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स अच्छी बात है ना. इसको अगर ये नंबर रेस्पॉन्स को यहाँ रख रहा है तो वो अच्छी बात है ना, उसमें अच्छी बात है. ऐसी ऐसी कोई सी कौन सी दिक्कत वाली बात है? और अब ये बोलते कि बेल्जियम क्या ठीक से मैनेज नहीं कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया मैनेज कर रहा है. आपको क्या लगता है बेल्जियम का हेल्थ केयर हमसे खराब है? नहीं, उनका अच्छा है हमसे. सो हमको ये समझना पड़ेगा. हाँ, लेकिन हमने ये कोशिश की जानना कि क्या ये ब्रेकअप अवेलेबल है क्या, कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड डेथ्स का. मुझे मिला नहीं है ये ब्रेकअप, अभी शायद कंट्रीज कर नहीं रही है, क्योंकि अभी अगला सवाल होगा कि कितना यू नो ब्रेकअप है, वो अभी वो डेटा अवेलेबल नहीं है. सो देयरफॉर बोलिए सॉरी. अगर इतनी डेथ्स हैं इंडिया में, तो साला ब्राजील की तरह मास ग्रेव, इतने बरियल ग्राउंड, इतने शमशान घाट भर जाने चाहिए थे, और अपना बरियल ग्राउंड का डेटा मतलब वी शुड बी रनिंग आउट ऑफ स्पेसेस, राइट? तो ऐसी सीन्स नहीं है इंडिया में, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं कोरोना की वजह से? तो ये एक सवाल है. ठीक है ठीक है, तो देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिया में अभी 400-500 हो रहे हैं ब्राजील की तरह, क्योंकि ब्राजील का थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, या हो सकते हैं ऊपर कह सकते हैं, लेकिन ब्राजील और इंडिया मान के चलें कि मतलब, बट उनका पैंडेमिक एपिडेमिक हमसे आगे है, मतलब वो थोड़े आगे पहुंच गए हैं एपिडेमिक. ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं 140 है, हम कह रहे हैं 400 है, धीरे धीरे होगा यू नो. और ये कहना कि शमशान घाट में तो लाइनें लग जाती हैं, मतलब हम क्या तब तक इंतजार करें? एग्जैक्टली. हमको तो डेटा पकड़ना चाहिए, एक्सेस डेथ्स का डेटा, कहां से? क्रेमेटोरियम से. पहले कितने क्रेमेट हो रहे थे, अभी कितने हो रहे हैं? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा, पहले कितने मौतें रजिस्टर हो रही थी, अभी कितने हो रही है? पहले कितनी मौतें होम में हो रही थी, अभी कितनी हो रही है? ये पर डे ले लो, पर मंथ ले लो, और ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डेटा मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, और ये पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए. ठीक है, देखो सीआरएस रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि सीआरएस रिपोर्ट में वो डेथ रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज आना है, वो परसेंटेज के लिए वो एसआरएस का डेटा आना है. एसआरएस का डेटा में प्रोसेस होती है, एन्यूमरेटर जाएगा, तो इसलिए सीआरएस के डेटा आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो न्यूमरेटर मतलब सीआरएस में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कितनी मृत्युओं का पंजीकरण हो रहा है, वो डेटा मुझे लगता है मंथली बेसिस नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीज करना चाहिए, ताकि रिसर्चर्स और इम्प्लीमेंटर्स उसको कंपेयर कर सके, और जो भी डिफरेंस है, अरे कहां मिस हो रही है, वो हम देखें. और एक और बात इसमें समझनी बहुत जरूरी है कि यू नो, जब बीमारी रूरल एरिया में फैलेगी ना, समझ में आ रहा है, रूरल एरिया में फैलेगी, तब रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है. तो जब हम मान लीजिए हम बोलते हैं 200 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, इसका मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ, पर मिलियन मतलब 10 लाख में 200 हो रही हैं, मतलब 10,000 लोगों में 2 मौतें हो रही हैं. हाँ जी, 10,000 लोग मतलब 5 गांव, 10 गांव. हाँ जी, आराम से. कहां से मतलब हम पेड़ के काफी करीब है. जब आप गांव में रह रहे हैं आपको ये ज्यादा नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप थोड़े ऊपर से जंगल को देखोगे, वो बोलते हैं यू आर ट्रू क्लोज टू द ट्री टू अप्रिशिएट द फॉरेस्ट. तो जब आप
ये बहुत कॉमन सेइंग है, दूर से देखोगे और पब्लिक तो पास से देखेगी ना पब्लिक, लेकिन हम जैसे लोगों का पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स और जो इंप्लीमेंट करते हैं वो दूर से देखते हैं और वो टोटल डेटा उनके पास है तो वो एडिशनल डेटा उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख, और स्मशान के भी नंबर्स कहाँ रिलीज हो रहे हैं क्या पब्लिकली, ये तो कोई जर्नलिस्ट जाके इन्वेस्टिगेट करके, अभी एक और शहर का आई थिंक आज का या कल का न्यूज है, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा लेकिन क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फोकस उसी शहर पे जा रहा है जैसे कि वही शहर सब कुछ कर रहा है अंडर रिपोर्टिंग, वहां पे आया है कि अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। मैं तो एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ, ये तो अपना डेथ रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, अपना मृत्यु के कारण का चिकित्सक प्रमाण छोड़ दो, सस्पेक्टेड डेथ छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ जो कोविड डेथ हो रही, कोविड पॉजिटिव लोगों में जो डेथ हो रही है अप्रैल मई की स्टडीज हैं, अभी थोड़ी इसमें स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट लेकिन अप्रैल मई के टाइम पे स्टडीज थी कि उसमें भी कोविड डेथ 50% अंडर रिपोर्ट हो रही है, मतलब हाँ जी आपको डायबिटीज था तो डायबिटीज को कॉज ऑफ डेथ बता दो, ये सिर्फ कोविड है, दिस इज माइंड बॉगलिंग सर, कि बंदों का कंप्लेंट क्या है ना कि हार्ट अटैक की वजह से मर रहा है, उसको पॉजिटिव था तो इसलिए कोरोना का डेथ बता दिया, कि कोरोना का डेथ इसलिए बताए क्योंकि उस कोविड की वजह से उसको हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक एक साल बाद आने वाला था उसको 10 दिन में आ गया वो हार्ट अटैक कोविड की वजह से, तो कोविड की वजह से ही मरा ना। मतलब मैं तेरे को, तूने ये बात कही, मैं तेरे को कॉफी पे ले जाऊंगा इस बात को, अगर तुझे ये बात समझ में आ गई। I'm so happy यार, ये तो इतनी यार इतना सिंपल है कि मतलब बंदा बंदे ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई एक दोस्त मुझे कह रहा था कि भाई किसी ने एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट में मर गया उसको कोविड था तो उसको कोविड डेथ बता दिया, कि भाई ऐसे कितने हो रहे हैं देश में, एक दो हो रहे हैं, तू एक दो एरर को पकड़ के तू बोल रहा है कि भाई पूरे कोविड ही गलत है, इतना ज्यादा है ही नहीं, समझ रहे हैं आप बात को। और अभी भी इनका फोकस कोविड पॉजिटिव पे है, मेरी चर्चा तो जो कोविड अननोन है, एग्जैक्टली ये समझ में। तो कोविड पॉजिटिव में जो रिपोर्टेड, ये एक और एक जो आपके दर्शक हैं जो थोड़ा मतलब डिटेल्स में ये जानना चाहेंगे, इट इज स्टैटिस्टिकली वेरी रेयर फॉर हार्ट अटैक टू हैपन ऑन द सेम डे एंड कोविड आल्सो टू हैपन ऑन द सेम डे, यस इट मेक्स सो मच सेंस, मेक सेंस। और मोटा मोटा ये एक मान लिया गया, अगर 100 कोविड पॉजिटिव लोगों में मौतें हो रही हैं तो 95% लोगों में कोविड के कारण ही मौत हुई है, 95%, बाकी 5% में ऐसा। मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपने जो बताया कोविड पॉजिटिव था वो अपना फॉलो अप टेस्ट कराने के लिए अस्पताल जा रहा था, ठीक है, उसकी फिर एक्सीडेंट पे मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो फिर ये तो एक्सीडेंट इज कॉज ऑफ इट, कोविड-19 ने एक्सीडेंट नहीं कराया, हाँ जी ठीक है। तो इसका रिपोर्टिंग में दो प्रकार के होते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स दे दूं, वन इज कॉल्ड एज अ कोविड रिलेटेड डेथ, एग्जैक्टली इसको बोलेंगे कोविड पॉजिटिव, इनमें किसी का भी डेथ हुआ उसको बोलेंगे कोविड रिलेटेड, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है। फिर बोलेंगे जहां पे अंडरलाइन कॉज इज कोविड उसको बोलेंगे कोविड-19 डेथ, ठीक है। तो जनरली 100 डेथ्स कोविड पेशेंट्स में, अगर ऑब्वियसली 100 कोविड डेथ्स हो रही है कोविड पॉजिटिव लोगों में, तो इन सब डेथ्स को कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स बोलते हैं। इनमें से 95% आर कोविड डेथ्स, जहां पे कोविड इज द कॉज ऑफ डेथ, रिमेनिंग 5% में, सो दिस इज द रूल ऑफ 95 बोलते हैं मोटा मोटा। एग्जैक्टली, देखो कुछ जगह 90 हो सकता है, कुछ जगह 88 हो सकता है, कुछ जगह 98 हो सकता है, और एक केस टू केस, मैं ये नहीं बोलूंगा अगर डॉक्टर हूं अरे मैंने 100 रिपोर्ट की अभी तक मेरा परसेंटेज 94 आ रहा है अरे इसको अभी कोविड डेथ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं हर केस को उसके केस के बेसिस पे रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो जनरली अगर ये ठीक से हो रहा है कॉज ऑफ डेथ रिपोर्टिंग, अगर 60% हो रहा है, 100 कोविड रिलेटेड डेथ्स हैं उनमें से सिर्फ 60% में कोविड डेथ बोला गया है, मैं तो बोलूंगा कुछ तो गड़बड़ है जी। एग्जैक्टली, योर डेथ, यू सी समवनस डेथ मे हैव बीन कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज, हार्ट अटैक, लंग फेलियर, ये सब, बट what accelerated those existing conditions and that is the cause of death, what that is accelerated the... that exists, exactly, mere ko diabetes bhi 20 saal se hai, ha there's a very nice joke main twitter pe padha tha, sorry I don't remember the person, nahi to main unko quote kar deta, ha ji, I have diabetes for 10 years, my diabetes is perfectly controlled,
I am a marathon runner for the last 10 years. And I come first or second or I finish on the podium. मतलब मैं podium finish करता हूँ marathon में. और मुझे COVID हो गया. और मेरा sugar out of control चला गया. और मैं मर गया. तो क्या diabetes थोड़ी होता है cause of death? Simple सी बात है ना. ये मैं ले आम जनता को समझा रहा हूँ. जो आपके medical जनता देख रही है इसमें simple सी बात है. COVID-19 के कारण COVID-19 में एक inflammation होता है. सिर्फ सांस की प्रॉब्लम नहीं होती, एक बॉडी में एक इंफ्लेमेटरी स्टेट पैदा हो जाता है. और जब वो इंफ्लेमेटरी स्टेट पैदा होता है ना, तो डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल जाने का चांस होता है. और जब डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो इट इज यू नो उससे मौत होती है. लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता, क्योंकि 10 साल से मैं डायबिटीज है. एग्जैक्टली ठीक है ना सर. एक और वन फाइनल थिंग, कई लोगों को जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, prostate cancer, very few die because of prostate cancer. They die with prostate cancer. Okay. समझ में आ रहा है ना? Yes. ये बहुत common चीज़ है. ठीक है ना? हाँ, obviously 5-50% prostate cancer body में फैल के, लेकिन many people die with, मतलब exactly. वो था, लेकिन death किसी और कारण से होगी. जी, मेरा BP बढ़ गया, मेरे को कुछ infection हो गया, या whatever. Exactly. सर एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल है कि इंडिया यार इम्यून है, मतलब बचपन से हम इतने वैक्सीन पे वैक्सीन लगाए हैं, पोलियो का लगाए हैं, टीबी का लगाए हैं, हम रोज हमारे हाथ में रोज 10 मच्छर बैठते हैं, काटते हैं, हम मलेरिया से भी इम्यून है, हमें कुछ नहीं होता. अच्छा नहीं, हम मलेरिया से इम्यून नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. अच्छा अफ्रीका में कुछ है, हम उतने इम्यून नहीं है. कुछ है, मतलब वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने सिंपल, मैं फिर से वही बात दे रहा हूँ. ब्राजील, ठीक है नजीब, आप मुझे बताएंगे ब्राजील में क्या क्या समानताएं हैं, आप मुझे बताएंगे, फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो बताएंगे. ब्राजील और इंडिया में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले डेवलपिंग कंट्री है ठीक है, बड़ी कंट्रीज है साइज में. हाँ जी, और पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, और इनकी सिटी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है लगभग उतनी है. उतनी है, स्लम्स का उतना ही है जितना स्लम्स वहां पे है. ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ जी सब यंग है जी, है ना, तो यंग में भी वो कम होती है. ठीक है, लेकिन उनके यहाँ भी उतने ही यंग है. ठीक है, क्या फर्क है? दो चीज है, टेस्टिंग उनका हमसे बेटर है, और उनका डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम और हमसे बेटर है, वो सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन एक और चीज समझना है, वहां पे थोड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ था ब्राजील में, थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दैट कुड बी द रीजन फॉर पुअर कोऑर्डिनेशन. तो उससे ऐसा नहीं कि 15 गुना बढ़ जाएगा ना, सिस्टम तो सालों से चल रहा है ना. सो देयरफॉर जो ये 10 गुना डिफरेंस है डेथ्स पर मिलियन में, 12 गुना, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट जस्ट बाई यू नो ये जो सब चीजें हैं. इम्यूनिटी भी वहां पे भी बच्चे मिट्टी में उतना ही खेलते हैं जितना हम खेलते हैं. ठीक है, स्लम्स उतने ही हैं. तो सी आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि जब भी आपको ऐसी चीजें फॉरवर्ड हो, आप किसी जानकार को पकड़ें, जानकार को, और उससे 1 घंटा बात करें, और फिर अपना कोई मन में एक बात बनाएं या कोई निर्णय लें या कुछ हो. नहीं तो बोलें मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इट्स ओके. कई बार आप अगर आप मुझे कोई सवाल पूछते ना कि वैक्सीन के बारे में बताओ, वैक्सीन में का सॉरी नजीब, मैं ये वैक्सीन का ये फॉलो नहीं कर रहा, मुझे रीसेंट अपडेट्स इसके बारे में नहीं पता. भले लोगों को मुझे बोले ये क्या एक्सपर्ट है, हाँ जी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 महीने में इस पे रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी और चीज पे अभी काम कर रहा हूँ. नहीं पता रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, नहीं पता, इट्स ओके. नहीं पता होने में कोई बुरी बात नहीं है. मैं एक और बताता हूँ कि भाई आपको वैक्सीन मिला है, आप इम्यून है, तो भाई पोलियो की इम्यूनिटी टीबी कम करेगी क्या? टीबी की इम्यूनिटी पोलियो कम करेगी क्या? पोलियो टीबी की इम्यूनिटी कोरोना कम करेगी क्या? मतलब क्या बोल रहे हो भाई? थोड़ा क्रॉस इम्यूनिटी होती है, ऐसे नहीं कि क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है. मतलब यार तुम बस झूठी तसल्ली वाली बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है. जी आई एग्री विथ यू, थोड़ी क्रॉस इम्यूनिटी होगी और ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर है भी इट डज नॉट एक्सप्लेन कि हमारा इतना डिफरेंस क्यों है. एग्जैक्टली इतनी देर से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, मान गया ठीक है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 90% पॉपुलेशन 60 से बिलो है. ठीक है,
10% पॉपुलेशन 60 से अबव है. 10% पॉपुलेशन कितने हैं? 13 करोड़. हमारे देश Absolute में number. 13 करोड़ बूढ़े लोग हैं. 13 करोड़ हमारे कंट्री में जर्मनी के पॉपुलेशन से ज्यादा बूढ़े हैं, इटली के पॉपुलेशन से ज्यादा बूढ़े हैं, और साला हर यूरोपियन कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे पास बूढ़े हैं. हमारे पास बूढ़े बहुत हैं, परसेंटेज कम है. ठीक है, बूढ़े देयरफॉर डेथ्स पर मिलियन को वो रीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि बूढ़े उनका एब्सोल्यूट नंबर, बूढ़ों का नहीं यूज करना चाहिए. हम क्या सीनियर सिटीजन बोले ना, सीनियर सिटीजन का जो नंबर है एब्सोल्यूट नंबर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा. तो डेथ्स पर मिलियन को वो असर नहीं करेगा, लेकिन केस फैटालिटी रेट पे असर कर सकता है. एग्जैक्टली, केस फैटालिटी रेट बोलते हैं जो केस डिटेक्ट हुआ, मतलब जो सिस्टम में पॉजिटिव आ रहा है उनमें से कितनों की मौत हुई. तो अगर हमारे जो केसेस हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ यंग ही हैं, तो उनमें मोर्टैलिटी कम होगी व्हेन यू कंपेयर टू सम अदर स्टेट या सम अदर पड़ोसी जिला जिसमें सब बूढ़ों को हो रहा है, तो उसमें मोर्टैलिटी थोड़ी ज्यादा होगी. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन टू एक्सप्लेन. लेकिन एक चीज हमें, अगेन आई एम गोइंग टू गिव, मैं कुछ डिटेल्स देना चाहूंगा. जब हम बोलते हैं कि हमारा केस फैटालिटी पहले 2.2% था, केस फैटालिटी का मतलब समझ लीजिए कि कितने केसेस हमने रिपोर्ट किए उनमें से कितनी मौतें हमने रिपोर्ट की, ये केस फैटालिटी रेट होता है. ठीक है, yes. तो केस फैटालिटी रेट जब हम बोलते हैं कि पहले जी 4% था, अभी 2% हो गया है. ठीक है, तो हमने बहुत बढ़िया. तो इसके ना चार कारण होते हैं, ये बहुत समझने की जरूरत है. सबसे पहले न्यूमरेटर, जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं उनमें कोई अंडर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं देखो, क्योंकि अब न्यूमरेटर कम कर दोगे केस फैटालिटी रेट कम हो जाएगा. सिंपल सी बात, मैंने अंडर रिपोर्टिंग की एग्जाम्पल दी आपको. हाँ जी. दूसरी बात, अगर आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट करोगे तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो केस फैटालिटी रेट कम हो सकता है. लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग कम है तो आपका न्यूमरेटर कम रहेगा. ठीक है, तो ये समझना है. तीसरी बात, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई पॉजिटिव पीपल, जो औसतन उम्र है जो पॉजिटिव आए हैं, क्या वो औसतन उम्र बढ़ी है या कम हुई है. हमने बोला कि पहले केस फैटालिटी रेट मान लीजिए पुणे में 4% थी, अभी कम होके 2% है. तो कोई बोलता है हाँ जी, हाइपोथेसिस देते हैं ना कि ये ना यंग में फैल रहा है. तुम्हारा जवाब होना चाहिए डेटा दो. हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकली सही है, डेटा दो. क्या मीन एज निकालो, औसतन उम्र क्या थी पहले जब केस फैटालिटी रेट 4% था, अभी औसतन उम्र क्या है. अगर वो औसतन उम्र कम है तब मैं मान सकता हूँ. दूसरा बोलता है हमारी मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव हो गई है, हम अच्छा केयर दे रहे हैं, इसलिए केस फैटालिटी रेट कम हो गया है. तो इसका जवाब फिर से डेटा मांगो. जो मौतें आपकी अस्पताल में हो रही हैं उनका डेट ऑफ एडमिशन से लेकर डेट ऑफ डेथ में कितना औसतन ड्यूरेशन है. अगर वो 1 दिन है, 0 दिन है, मतलब लोग लास्ट स्टेज में आ रहे हैं. अगर उसका 10 दिन है, 15 दिन है, तो मतलब लोग पहले आ रहे, फिर भी कुछ ना कुछ तो मौतें होंगी ही ना. एग्जैक्टली. ठीक है, अगर ये ड्यूरेशन फ्रॉम एडमिशन टू डेथ ज्यादा है तो मैं मान सकता हूँ आपका सिस्टम अच्छा काम कर रहा है और आपका टेस्टिंग भी अच्छी चल रही है, आप ज्यादा लोगों को जल्दी पहले डिटेक्ट कर रहे हैं. हाँ जी. हाँ, तो ये चार चीजें देखनी है. डेथ की पॉजिटिव्स में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, उसमें अंडर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं, आपकी टेस्टिंग कैसी है, टेस्टिंग बढ़ी है कि टेस्टिंग कम हुई है. एक और चीज, टेस्ट पॉजिटिविटी. अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, 100 टेस्ट किए 20 पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आप टेस्ट कम कर रहे हो. ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हमने टेस्ट बढ़ाए इसलिए हमारा केस फैटालिटी कम हुआ. तीसरा, आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले जब 4% थी तब औसतन उम्र क्या थी जो कोविड पॉजिटिव केसेस थे आपके ही शहर में, अभी कितना है. अगर वो कम हुई है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर बोल रहे कि हमारा केस मैनेजमेंट बढ़िया हो गया जी, हमने एकदम सब ठीक कर दिया. तो पूछो डेट ऑफ एडमिशन से डेट ऑफ डिस्चार्ज एवरेज ड्यूरेशन क्या है, आपका टेस्ट पॉजिटिविटी कितना है, टेस्ट पर मिलियन कितना है. डेटा मांगना चाहिए, पब्लिक को डेटा मांगना चाहिए, ताकि वॉट एवर यू आर सेइंग या वॉट एवर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाए. और ये मैं बोलना चाहूंगा, मुराद बैनर्जी के ये अच्छे आर्टिकल्स हैं द वायर में, उन्होंने लिखे हैं. तो कोई भी हमारी श्रोता, मुराद बैनर्जी, MURAD BANAJI, द वायर में उन्होंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं केस फैटालिटी रेट को कैसे इंटरप्रेट करना, फिर
मॉर्टैलिटी हमारे यहाँ कम क्यों है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, रिपोर्टेड मॉर्टैलिटी है, रिपोर्टेड डेथ कैसे होगा, उन्होंने तो आपके श्रोता वो उसको गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं. सर एक और अहम सवाल, ठीक है, ये मेरे इतने दोस्तों ने पूछा है, मैं क्या बताऊं. ठीक है यार, ये सब एक्यूरेट नंबर रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा, पैनिक फैलेगा. पैनिक से बहुत सारे लोग पैनिक से ही मर जा रहे हैं. बंदे को कोविड हो रहा है तो वो पैनिक से ही मर जा रहा है. ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट ने को आपने कभी सुना है? हाँ जी, मैं ये काफी सुना है और हमने ये पहले भी इसकी चर्चा की. सो इट्स क्वाइट अनफेयर. मैं आपको एक एग्जांपल, आप बैंगलोर से हैं ना? बिफोर यू गिव, यार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल चलता है तब भी पैनिक से लोग मरते हैं. ठीक है, तो आप बताइए. नजीब, आप बैंगलोर से हैं? हाँ जी. लाइक मैं भी बैंगलोर से हूँ. तो मान लेते हैं बैंगलोर में पिछले महीने, मान लेते हैं, ये डेटा मुझे नहीं पता, मैं 1,000 डेंगू के केसेस हुए. ओके. तो ये क्या पब्लिक को नहीं बताना चाहिए? 25 डेंगू की मौतें हुई, तो क्या पब्लिक को ये मीडिया में, मीडिया क्यों, रूटीनली वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए डेटा. अवेलेबल भी है, मीडिया भी रिपोर्ट करती है कि डेंगू, अगर आपको पता चलेगा कि 1,000 डेंगू के केसेस हुए हैं तो मैं देखूंगा ना, अरे घर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, हमारे बिल्डिंग में छत पे पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, पड़ोसी के यहाँ पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है डेंगू का मच्छर 10 किलोमीटर उड़ के नहीं आएगा, वो आसपास ही पनपता है और वहीं से मुझे आके काटेगा. हाँ जी. राइट, तो मैं एक्शन लूंगा. राइट, हाँ जी. तो ये मतलब ये गलत बात है कि यू नो डर फैल जाएगा तो रिपोर्ट ही मत करो. ये बंदे का बॉडी फंक्शन चेंज होता है. उसने अपना एग्जाम्पल दिया, अपने फादर का एग्जाम्पल दिया कि यार फादर को कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ खांसी हो रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था. जब मैंने थोड़ा यू नो वार्निंग देना शुरू किया तो उनका टेंशन बढ़ गया, तो इसलिए उनका ऑक्सीजन कम हो गया. तो फिर हम गए कोविड टेस्ट कराने, कोविड टेस्ट हम नेगेटिव आया तो अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, वापस नॉर्मल पे आ गया. तो यार पैनिक से ही लोग मर रहे हैं. पैनिक ऐसा ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि यार 50% ऑफ द कोरोना डेथ्स आर हैपनिंग बिकॉज द पीपल आर पैनिकिंग बिना कुछ प्रूफ के, बिना कुछ डेटा के. मतलब ऐसा है कि यार पैनिक मत फैलाओ, डेथ्स कम हो जाएंगी. ये आई फील वेरी इंसल्टेड. यू आर एमडी, राइट? आई फील वेरी इंसल्टेड टू ask this question to you because मुझे ही इतना, मतलब मैं ये सुन के, यार ये सब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त सवाल कर रहे हैं जो कि IIT में पढ़े हैं, IIC में पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं. यार ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो सुन के ही मतलब मेरा मोरल डाउन हो जाता है कि यार क्यों आप क्यों पूछ रहे हो यार. Okay, I'll not answer as an MD. I'll answer. So okay, now this is an answer based on my training. So एक चीज है कि whenever in public health response is done, public health response for anything, one of the components of that is information, education, communication and behavior change communication. Okay. इसको बोलते हैं health promotion. कुछ मुझे example है states के, इन्होंने बहुत बढ़िया किया है. Again मैं example दे दूंगा फिर वो बोलेंगे बाकी. कुछ states के chief minister ने बोला थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अभी सब अंडर कंट्रोल है, हमारी टेस्टिंग भी है, हमारे यहाँ बेड्स भी हैं, लेकिन आप प्रिकॉशन लेके, ये नहीं कि आप डिस्को में चले जाएं, ये नहीं कि आप मास्क पहनिए और अपने काम पे जाइए. दिस इज व्हाट वी कॉल अ लीडर हु सेज कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, यू डू योर वर्क रूटीनली, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है. अब मैं उसका उल्टा एग्जाम्पल देता हूं. मेरे पिताजी पिछले 7 महीने हो गए और हमने घर पे डिसीजन लिया, पापा आपको बाहर जाना, स्पेशली जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन पे बाहर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि तब अगर केसेस बढ़ गए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उतना. तो ये पर्सनल से ज्यादा हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे थे. तो लॉकडाउन का डिस्कशन बाद में करेंगे, बट अभी क्या है, अभी पर्सनल प्रोटेक्शन है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है. पश्चिम में पिताजी को बोला, पिताजी आप सुबह उठ जाइए 4:30 बजे और 4:30 बजे आप घूमने निकल जाइए
और हमारे घर में एक डॉग है, अब 4:30 से 6 घूमिए एकदम वॉकिंग पे जाए, कोई नहीं रहता सड़क पे, वॉक कीजिए और घर पे आ जाइए, आपकी वॉकिंग भी हो गई। और बीच बीच में हम संडे मॉर्निंग को कार में जाते हैं, तो कार तो अपना ही, कार तो अपनी घर जैसे ही होगी ना, कार में हम बैंगलोर के बाहर चले जाते हैं, एकदम खुला एरिया जहाँ पे माउंटेन के वहां पे, वहां जाके कुत्ते के साथ उसको भागने देते हैं, हम थोड़ा वहां नदी के किनारे झील के किनारे बैठते हैं, उनका भी रिलैक्सेशन हो जाता है, पिकनिक, और हम वापस आते हैं। लेकिन मास्क जरूर पहनते हैं, जो जो एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा काम के लिए बाहर जा सकता हूँ, तो मुझे क्या पता मुझ में इन्फेक्शन हो, तो हो सकता है कार में मैं पिताजी को दे दूं, फिर भी हम मास्क पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि कार में आप पास बैठते हो ना, तो वी टेक प्रिकॉशंस बट ट्राई टू लिव नॉर्मल लाइफ। मेरे पिताजी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुए, तो मैं आपको उसका एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उल्टा मैंने उनको सही जानकारी दी तो ये गार्डन्स में नहीं जा रहे, अपने क्या बोलते हैं, किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे, पिक्चर हॉल में नहीं जा रहे, पिक्चर हॉल तो ऐसे चले नहीं रहे, रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे। देखो मोस्ट ऑफ द कोरोना तभी फैलता है, मोस्ट, आप फिर से एक एग्जांपल दे दोगे, मेरे दादाजी घर में बैठे, मोस्ट ऑफ द कोरोना तभी होता है जब आप क्लोज्ड जगह पे ज्यादा देर के लिए किसी के साथ रहते हो, तब होता है। ये जो आप ऐसे मेरे को क्रॉस करके निकल गए, उसमें कोरोना बहुत रेयर होता है, मोस्टली आप एक क्लोज जगह में 50 लोग हैं, उनमें से 10 को है, और आप वहां 10-15 मिनट के लिए हो और क्लोज कॉन्टेक्ट है, मतलब एटलीस्ट विद इन वन हैंड, ठीक है, मोस्टली उसी में होता है। हाँ जी। तो उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, और वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, राइट? सो सी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी द सॉल्यूशन टू एनीथिंग। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से जितने लोग मरेंगे will be way, way, way more than by providing the right information. तो ये argument हो ही नहीं सकती कि information ही मत दो, अंधेरी नगरी चौपट राजा बोलते हैं ना, वैसा ना हो, ठीक है? तो I sincerely feel governments का ये role होता है कि सही data दें, सही information दें, और लोगों को बोले कि हम ये कर रहे हैं, जो है वो है, हम ये कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर घबराने की जरूरत है तो आके बताना भी चाहिए कि अभी केसेस बहुत ज्यादा हैं, हमारे अस्पताल फुल हो गए हैं, हमारा रिक्वेस्ट है कि जो लोग घर में रह सकते हैं रहिए, अब जो लोग नहीं रह सकते काम पे जाना है जाइए, लेकिन जितना हो सके घर पे रहिए, मतलब, लेकिन जो लोग को जाना है, दिहाड़ी मजदूरी करनी है, यहाँ खाओगे नहीं तो, मेरा टेक, दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, मेरा टेक ये है ना कि आपका डर या आपकी लापरवाही जो भी है, इफ यू आर लीनियंट, यू हैव टू बी लीनियंट बेस्ड ऑन एन इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा। परफेक्ट। इफ यू आर अफ्रेड, यू बेटर बी अफ्रेड बेस्ड ऑन द डेटा। आपकी डर या आपका आपकी लीनियंस दोनों डेटा से आना चाहिए, ये अपनी झूठी तसल्ली से नहीं आना चाहिए ना। Perfect. आप इसमें एक पॉइंट ऐड करूं? हाँ जी। तो आपने बोला डर और लीनियंसी बेस्ड ऑन डेटा, कुछ लोग डेटा सुन के डर जाते हैं, कुछ लोग डेटा सुन के, मतलब लीनियंस कुछ भी हो सकता है, डेटा सुन के उसको साइड में फेंकते हैं कि डिस्कार्ड करते हैं, साइड में फेंकते हैं। सो आई टेक अ मिडिल पाथ, जो डेटा मिल रहा है उससे, मतलब प्रैक्टिकल रह के डू द बेस्ट दैट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। ये नहीं कि कोई दिख गया तो भाग जाओ उससे, मतलब कोई सामने से आ रहा है, स्टिग्मेटाइज भी नहीं करना है ना। हाँ जी। अब अपने को पता है कि पड़ोस के घर में, मतलब दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और बीच में 10 मीटर का फर्क है, तो ये ना कि मैं अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर दूं क्योंकि वहां कोरोना है, ये क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो बंदा स्टिग्मेटाइज नहीं फील करेगा exactly. इसको कोविड है। ये पहले बालकनी में आते थे, हम लोग बात करते थे, अभी बालकनी में भी नहीं आ रहे, अभी व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं भेज रहे मेरे को, तो ये तो गलत हो गया ना। उल्टा मैं तो बोलूंगा, अगर मेरे को पता है कि उस तरफ किसी को है, मैं उसको, ए भाई कैसा है, सब ठीक ठाक, चल थोड़ी देर आजा खिड़की के पास बैठ जा, अपन थोड़ी बातें करते, तेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि क्या अपना 20-30 मीटर का फर्क है। हाँ जी। कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यू नो, वो क्लोज डिस्टेंस में ही होता है, और अपन खुले में बैठे, बालकनी में बैठे, क्या होने वाला। सो उतना भी ना करें कि लोगों को हम, यू नो, कोई डॉक्टर आ रहा है अस्पताल से, तो अपन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ अस्पताल में जाती है, मैं रिसर्च में काम करता हूँ, तो कोई ऊपर से आ रहा है, भाग के ऊपर भाग गया,
मतलब स्टिग्माइज भी नहीं करना चाहिए, राइट? सो जानकारी लो और उसके बेसिस पे करेक्ट एक्शन लो. जैसे कि हम, मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ सुबह, ठीक है, हम सुबह सुबह जाते हैं, कोर्ट में एक 5 कोर्ट का इंडोर हॉल है, कोई नहीं आता जी, हम ही 3-4 लोग हैं फैमिली में और आसपास के लोग जिनको हम जानते हैं, ठीक है, हमारा मिलना जुलना रहता है, हम जाते हैं बैडमिंटन खेलने सारे प्रिकॉशंस लेके, मतलब यू नो, राइट? सो हैव द राइट इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पे टेक द राइट एक्शन. एग्जैक्टली. सो लास्ट क्वेश्चन, Why should we be afraid of corona? इसमें बस 1-2% मर रहे हैं और जिसको आ रहा है वो आराम से रिकवर हो भी जा रहा है, क्यों हम डरें? क्योंकि यार इतनी इतनी बीमारियां हैं, सर्दियां हैं और इन्फ्लुएंजा है, ये सब है, इतने दिन हम ऐसा कोई पूरा इकोनॉमी बंद नहीं किए थे ऐसी बीमारियों के लिए, क्यों हम कोरोना, वाई आर वी ट्रीटिंग दिस कोरोना वेरी लाइक इन अ स्पेशल वे? चलो मैं इसका सीधा आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड आंसर. मैं आपको दोनों आंसर देता हूँ, दोनों साइड के आंसर. कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर इन्फेक्शन फेटालिटी रेट मेजर करें, इन्फेक्शन फेटालिटी रेट मतलब ये केस फेटालिटी रेट जैसा ही है लेकिन डिनोमिनेटर में ऑल द केसेस इन द कम्युनिटी लेते हैं और ऑल द केसेस इन द कम्युनिटी इज एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन सीरो प्रेवलेंस डेटा, एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है. अब अगर बोलते कि पुणे में 20% है या दिल्ली में 29% है तो अपने को दिल्ली की पॉपुलेशन पता है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने इन्फेक्टेड है. फिर न्यूमरेटर में होता है कितने लोग मरे, ठीक है. अब आपको एस्टिमेट, मैं तो कायदे से बोलूंगा एस्टिमेटेड डेथ्स लो ताकि यू आर क्लोजर टू द रियलिटी, रिपोर्टेड से मत जाओ. लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग अच्छी है, आपका डेथ रजिस्ट्रेशन अच्छा है, तो आप रिपोर्टेड यूज कर सकते हो न्यूमरेटर. तो इससे हम इन्फेक्शन फेटालिटी रेट निकालते हैं. सो मोटा मोटा लोग ये बोलते हैं कि अगर 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं उसमें से 0.5 to 0.1 लोग मरते हैं, मतलब 200 में से 1 to 2 लोग मरते हैं. ये मोटा मोटा है, ठीक है. और ये ज्यादातर वही लोग मरते हैं जिनमें बूढ़े हो या जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है. कुछ यंग भी मरते हैं, ऐसा नहीं है. कुछ यंग कोई स्मोकर हो, ओबीज हो, ऐसा भी हो सकता है. कभी कभी हो सकता है कोई यंग बिना कोई रिस्क फैक्टर के भी मर जाए. एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, एक्सेप्शन इक्का दुक्का हमेशा होता है. अब बोलते हैं ना जी कोई स्मोकिंग भी नहीं करता, कोई अल्कोहल भी नहीं पीता लेकिन उसको लंग कैंसर हो गया. एग्जैक्टली. होता है लेकिन अगर करो तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है. सो देयरफॉर जो इन्फेक्शन फैटल 0.5 to 1, तो कुछ लोग बोलते हैं जी ये तो साधारण ये साधारण सर्दी खांसी की तरह ही है. लेकिन क्योंकि ये नई इन्फेक्शन है तो नंबर ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगे. समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली. इसलिए उसके अनुपात में मौतें ज्यादा होंगी. तो हमें वो बोलते हैं डेथ रिपोर्टिंग को आप एकदम फिक्स कर दो, अपने सिस्टम को दुरुस्त कर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. Exactly. कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ डेथ रिपोर्टिंग दुरुस्त करके, सिस्टम दुरुस्त करके नहीं, बीच बीच में थोड़ा मास्क का ये करना चाहिए, थोड़ा कभी कभी बीच बीच में ये क्या बोलते हैं कि कंसीलमेंट जोन बनाने चाहिए जब शुरुआत में इन्फेक्शन हो. कुछ लोग बोलते हैं लॉकडाउन करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले, क्योंकि हम केसेस अचानक अस्पताल में नहीं आने चाहिए. अचानक एक अस्पताल में 80 बेड्स हैं लेकिन वहां पे 200 सांस की प्रॉब्लम के साथ आ गए, मान लेते सारे कोरोना है, तो बीपी का पेशेंट कहाँ जाएगा, हार्ट का पेशेंट कहाँ जाएगा. तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग यू डू कि ज्यादा भी ना करे, कम भी ना करे, ताकि सिस्टम चलता रहे, ठीक है. तो अब कितने लेवल पे आपको सब चीजें बंद करनी है वो एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिसीजन है, ठीक है. समझ में आ रही है ना बात? मैं तो यही बोलूंगा एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, इतना एक्शन लो ताकि आपका सिस्टम चरमरा ना जाए और साथ साथ रूटीन सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो जी. और पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी विदाउट इकोनॉमी, क्योंकि yes. जेब में पैसा नहीं होगा तो खाएंगे नहीं तो हेल्दी नहीं रहेंगे. आई थिंक कि इकोनॉमी पे कम से कम असर होना चाहिए, right. और जो भी एक्शन ले अकॉर्डिंग टू मी वो थोड़ा विथ हार्ट होना चाहिए. मतलब अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो मुझे लगता है लोगों को पैसे ट्रांसफर करने चाहिए गरीब से गरीब तबके को. Exactly. क्योंकि आपने उनकी जिंदगी रोक दी, ये मेरा कहना है. कुछ exactly. लोग बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने ये किया है, ठीक है. तो ये इट्स अ डिस्कशन फॉर समर डिस्कशन. हां सर, हां हैज अफेक्टेड रूटीन हेल्थ केयर एंड ऑल. प्लीज कमेंट ऑन द साइंटिफिक लिटरेसी ऑफ अस इंडियंस एंड वर्ल्ड इन जनरल. क्या वर यू डिसअपॉइंटेड? व्हाट डू यू थिंक देयर इज एन इंप्रूवमेंट?
यू थिंक इट्स ओके? बिकॉज अभी आप बहुत सारे व्हाट्सएप अभी देखे होंगे, ये भाई गर्म पानी पी लो, गार्लिक खा लो, कुछ नहीं होता, ये सब. सो ये सब देख के आपको क्या, what is your opinion on the scientific literacy of world in general and India in particular? I'll tell you मोटा मोटा. पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, बस अभी उजागर हो गया है. उजागर मतलब it has come to ऊपर आ गया. Exactly. पहले भी था, पहले भी मेरे मामा मामी थे यही बकवास करते थे, बस व्हाट्सएप पे नहीं करते थे. मतलब थे, मतलब आई एम नॉट सेइंग इंडिविजुअल, शायद मैं भी बकवास करता था पहले, है ना. बट इट इज क्योंकि सोशल मीडिया में आ गया है और अभी हमारा मीडिया भी थोड़ा ऐसा हो गया कि इश्यू की तह तक नहीं जाना बट सेंसेशनलिज्म. सो आई थिंक पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है. इट्स जस्ट दैट इट इज सीन टू अस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स. मुझे ये लगता है एक ही मेरी सलाह होगी कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आए वो परम सत्य नहीं होता है. कोई कुछ भी टाइप करके नीचे डॉक्टर सो एंड सो, डॉक्टर नजीब, मोहम्मद नजीब, MD, FRCP, DNB, जो जो डिग्री चाहिए डाल के भेज देगा. व्हाट इज दी, कौन नजीब है भाई, हजारों नजीब है, उसने MD क्या, तो उस और वो फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, उसका मतलब क्या है? Anyone can do this, right? So, कुछ भी आपके पास WhatsApp पे आता है, I think it's again away from our discussion. उसका लिंक ढूंढिए, उसका लिंक ढूंढिए, गूगल सर्च कीजिए या किसी जानकार से बात कीजिए, एक घंटा बात कीजिए. ये नहीं कि आपको फट से जवाब, थोड़ा पेशेंस रखिए चीजें समझने की. हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जो जानने की कोशिश कर रहे हैं ठीक से समझिए और फिर आप असेस कीजिए कि वो सही है या गलत है. और फिर भी अगर फॉरवर्ड करें तो लिंक के साथ फॉरवर्ड करें, सिर्फ ऐसे ही फॉरवर्ड ना करें. और अगर आप श्योर नहीं है, 99% अपन श्योर नहीं होते, गार्लिक खाने से होता है, कहाँ लिखा है जी, कोई स्टडी हुई है, कोई स्टडी की फाइंडिंग्स भेज रहा है, समझ में आ रहा है ना? Exactly. जब तक अपने आप को प्रमाण नहीं है उसको फॉरवर्ड. कई बार क्या होता है ना, अपने को अपना वर्चस्व मेंटेन करना होता है कि मुझे पता है मैं घर का बड़ा हूँ, या मैं घर में कई बार पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, मैं पढ़े लिखा हूँ, मैं MD हूँ, मुझे कोविड के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं TB में काम करता हूँ या मैं किसी और बीमारी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे बिना पढ़े कोई फॉरवर्ड आ गया मैंने भेज दिया, तो वो क्या सोचेगा, अरे इसने भेजा है सही होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यही सर, यही ना, द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, एंड आई विल इनवाइट वन मोर डॉक्टर, आई डोंट नो इफ यू फॉलो हर, आई थिंक डॉक्टर प्रदीप कौर. I'm trying to get in touch with Pradeep Kaur is from ICMR, NIE? National Institute of, she's a senior scientist there. Yes. Yep. National Institute of I'm working out. The point of doing this podcast is yaar ki main chand behno se, I don't know about you, but I was very disappointed with the scientific illiteracy of people around me who I consider as some of the smartest minds. Yaar, inke aise qualifications hain yaar. Matlab, main chand dinon pehle mera bhai gaya tha kuch apne college mein degree ke liye HOD ke paas, theek hai? Wahan jaake wo HOD ke table pe sanitizer hai, wo sanitize kar raha hai haathon ko, HOD bol raha hai usko ki bhai tu jawan hai, tu kyun kar raha hai? Kya tujhe kya lena dena? Matlab, wo HOD ke paas itne degree hain. और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. इनफैक्ट आई हैव टोल्ड माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक आई हैव नो होप्स फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज अगर नहीं सुनो मेरी पूरी बात सुनो, ठीक है? अगर हम एक पैंडेमिक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बंदे वहां मास्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ कुछ कंट्रीज में, ये हाल है, तो ऐसे बंदों को आप क्लाइमेट, ये ऐसे बंदे क्लाइमेट चेंज क्या है हैंडल कर पाएंगे? ऐसे बंदों को आप मास्क ठीक से पहनने के लिए भी आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो ऐसे बंदों के लिए आप कार्बन न्यूट्रल लाइफ जीने की यू नो साइंस क्या ही समझाओगे, ये लोग क्या ही समझेंगे? आई थिंक वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट विल बी टू लेट, एंड 50-60 साल में हम पैकअप कर लेंगे. दिस इज माय बेसिक चीज है. समटाइम्स ये पब्लिक हेल्थ में भी हमको सिखाया गया है, कूट-कूट के भरा गया है, डू नो हार्म. और ये एथिक्स में भी बताते हैं, मेडिकल एथिक्स में, कुछ भी करो डू नो हार्म, तो कई बार कुछ मत करो. करने से कई बार हार्म भी हो रहा है ना, सो डोंट डू समथिंग विच विल कॉज हार्म. कोई इंटेंशन कुछ भी हो, एट पब्लिक हेल्थ लेवल व्हेन यू डू समथिंग, किसी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए. सो समटाइम्स इन पब्लिक हेल्थ वी आल्सो से कुछ ना करना कभी कभी एक बढ़िया डिसीजन होता है. ओके, कुछ ना करना
और कई बार बहुत बेसिक चीज करनी होती है. सो दिस एपिडेमिक में कुछ नहीं है, एज अ फैमिली स्टे टुगेदर. ज्यादा देखिए बाहर नहीं जाना बहुत अनफेयर होगा कहना, कई लोगों की रोजी रोटी इस पे चलती है. Exactly. तो आपको जाना है जाइए काम कीजिए, लेकिन आप जितना हो सके आप अपने आप को बेसिक प्रोटेक्शन कीजिए. हर 2 से 3 घंटों में अगर हो सके कृपया हाथ धोइए. अब कुछ गांवों में पानी भी नहीं होता है, हाथ धोने की व्यवस्था नहीं, लेकिन मैं वो समझते हुए भी बता रहा हूँ जितना हो सके हाथ धोइए और मास्क पहने रखिए और किसी से क्लोज कॉन्टेक्ट में मत जाइए कि मास्क मेरे पास है तो क्लोज कॉन्टेक्ट, जैसे गले मिलना वो अवॉइड कीजिए थोड़े टाइम के लिए. कोई बुरा नहीं मुझे, हाँ मुझे ऐसे गरीबों पे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है. मैं इन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे आप यू नो व्हाट आई मीन राइट. बट सर आई थिंक दिस हैज बीन अ फैसिनेटिंग पॉडकास्ट. आई मीन आपको तो नहीं पता, मुझे तो बहुत मजा आया आपका आपसे बात करके. और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रेयर पॉडकास्ट जहां इतनी डिटेल में डेटा की बात हुई है. एंड आई विश वी कुड डू दिस मोर होपफुली. Yes. मुझे एक गिला है, तूने शुरुआत में बोला था I'm first talking to a person with white hair. ये समझ में नहीं आया मेरे को. अब देखो रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो है वो दिखाना चाहिए. देखिए सर, हाँ सर देखो मैं टू बी फेयर टू यू, आपके बाल बहुत काले थे, कोरोना के टेंशन ने आपके बाल सफेद कर दिया, ठीक है, तो ये हम मान के चल सकते हैं, ठीक है. बिकॉज दिस इज आई बिलीव एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आई थिंक आई बिलीव दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम ऑफ योर करियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मैं मोटा मोटा बताता हूँ बिफोर वी एंड इट. आई वॉज बिजी इन माई ओन वर्क. मैं जो काम करता हूँ, मैं रिसर्च में काम करता हूँ थोड़ा. आई सपोर्ट सम पीपल इन अदर हेल्थ प्रोग्राम्स इन डूइंग रिसर्च, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता हूँ. और मेरा एरिया टीबी है, यू नो हेल्थ प्रोग्राम्स में यू नो रिसर्च करना मोटा मोटा वो है, ठीक है. तो मैं इससे दूर रहता था COVID-19 से, क्योंकि यू नो मुझे लगता है आप बेस्ट सेवा अपना अपना काम ठीक से करो. सब लोग COVID-19 करने लगेंगे तो बाकी अफेक्ट हो जाएगा, राइट. तो अपना अपना काम सिंसियरली करो. बस उसी बात से मैं बार बार सुनता था कि हमारे डेथ कम है, डेथ कम है, डेथ कम है. मैं कहा अपने ऐसा क्या लगे रे. और जब मैं top 10 countries देखा उसमें इंडिया था. आई थिंक ये मैंने जुलाई में कुछ एक्सरसाइज की थी. और फिर WHO की वेबसाइट में जाके देखा कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ का परसेंटेज क्या है. मैं देखा अपने कंट्री छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज का 90%, मोस्ट ऑफ देम का 99% है, ठीक है. सिर्फ पेरू का 56% था टॉप 10 में. तब 56% कहां, हम 18% कहां. मोस्ट ऑफ ये कंट्रीज सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम द मतलब एक तो होता है कि डेथ रजिस्ट्रेशन अच्छा होना, दूसरा है कि उसमें से सस्पेक्टेड डेथ निकाल के अपनी COVID-19 डेथ में डालना. दूसरा, इन सारी कंट्रीज की टॉप 10 में टेस्टिंग हमसे काफी ज्यादा थी. एक्सेप्शन वॉज मेक्सिको. जब मैं 31 जुलाई या 20 अगस्त के आसपास देखा था, मेक्सिको का 9,000 या 10,000 टेस्ट पर मिलियन था. बाकी सारी कंट्रीज का टॉप 10 में हमसे 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा टेस्टिंग थी. तो मैंने कहा वी नीड टू यू नो इंटरप्रेट दीज डेथ नंबर्स विद कॉशन. मतलब यू नो वी कांट से, और बोल रहे हैं अफ्रीका में डेथ्स कम है, बट होंगी कम, हो सकता है कम, लेकिन इतनी कम नहीं है. और आपको यू हैव टू आल्सो कंपेयर इट विद इन्फेक्शन कितना फैला है एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है. सो दिस पॉइंट यू नो मेड मी एक्चुअली थोड़ा इरिटेट हो गया. मैं मन में रखी है बात, फिर भी टीवी देखते थे, बीच बीच में टीवी तो देखते ही है, पिताजी देखते हैं, घर में देखते हैं, इंडिया में कोविड डेथ्स कम है, कम है. मैं कम होंगी लेकिन इतनी कम तो नहीं होंगी. या हमें यह रिपोर्टेड डेथ्स और एस्टिमेटेड डेथ्स का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए ताकि थोड़ा पब्लिक, और थोड़ा मैं मानता हूँ कि कोविड तो छोड़ ही दो, मेरा ये कहना है, दिली ख्वाहिश है नजीब, और ये मैं बोल रहा हूँ कि आई होप मैं जो ये कह रहा हूँ, और कुछ अभी लैंसेट में भी कल एक आर्टिकल छपा अबाउट इंडिया नॉट रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड डेथ्स, कोविड छोड़ दीजिए, दिली ख्वाहिश है कि इससे डेथ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ का जो दर है, दर मतलब परसेंटेज या रेट है, वो इंडिया में इम्प्रूव हो, स्टेट्स और नेशनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव विल बने. इसका एक मैं एक मेन कारण बताता हूँ. चलो पंजीकरण तो ठीक है, 3-4 राज्य छोड़ दो, मोटा मोटा हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो 20% है. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का 10-50% के बीच में है, कई का 10 से कम है, कई का बहुत कम का 60 से ऊपर है.
तो लोग बोल देंगे कि यार कॉज ऑफ डेथ के तो एस्टिमेट्स भी निकल जाते हैं, ये जो SRS का सर्वे होता है ना, इसमें जो भी डेथ होती है ना उसका वर्बल ऑटोप्सी भी होती है. मैंने बताया था घर में जाके पूछना भी क्या हुआ जी, तो उससे कॉज ऑफ डेथ का अंदाजा निकाला जाता है. फिर कुछ रिसर्च स्टडीज भी होती है, कुछ मिलियन डेथ स्टडीज करके हुई थी जो 1998 से 2014 तक कुछ आई थिंक 14 मिलियन लोगों में, मतलब अराउंड 2.4 मिलियन फैमिलीज में डेथ्स ट्रैक हुई थी. और इन फैमिलीज में जो भी डेथ हुई थी उसका कॉज ऑफ डेथ वर्बल ऑटोप्सी से अजर्टेन हुआ था. ये तो काफी बड़ी सैंपल साइज है. और इससे उन्होंने एस्टिमेट्स निकाले कि इतने प्रतिशत डेथ्स कैंसर से हैं, इतने प्रतिशत डेथ इससे हैं, इतने प्रतिशत डेथ उससे हैं. लेकिन ये जो एस्टिमेट्स निकलते हैं ना, ये सिर्फ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल डेटा ही निकाल पाते हैं एस्टिमेट्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल ये स्टडीज इतनी अच्छी से डिजाइन, क्योंकि आप इतना तो सैंपल साइज नहीं कर सकते ना, रिसर्च में इतना ही पैसा डाल सकते हैं. दीज स्टडीज एंड SRS आर नॉट डिजाइन टू गिव यू डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर कॉज ऑफ डेथ मुझे जानना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जी 1,00,000 मौतें हुई थी एक साल में. ठीक है, पूरे देश में आई थिंक अराउंड 70,00,000 मौतें होती है एक साल में. ठीक है, मान लेते हैं कि 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7,00,000 कितनी होगी भाई, 7,00,000 बाई 700 डिवाइड कर दो, तो जो भी 70,000 मौतें, 7,000 मौतें हुई है. ठीक है, उसका मुझे कॉज ऑफ डेथ तो पता हो. एग्जैक्टली, आई हैव द ओनली सोर्स आई हैव इज मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ का डेटा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो. वो डेटा ही 18% है, कुछ डेथ में 5% है. मैं क्या एक्शन लूंगा? एग्जैक्टली, इफ आई एम वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी मौतें हार्ट अटैक और दिल दिमाग का दौरा जिसको स्ट्रोक बोलते हैं उससे हुई. अगर वो मौतें इतनी हैं तो उनका मैं केस स्टडी करूंगा कि हर केस में 2-3 केस लेके क्या कारण था जी, ये जो लकवा मतलब इतना हो गया कि बीपी 200 पहुंच गया, क्या था, डायग्नोज नहीं हुआ, या डायग्नोज हुआ लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या डॉक्टर के पास गए लेकिन दवाई ठीक से नहीं ली क्योंकि प्राइवेट था, या डॉक्टर के पास गए सरकारी डॉक्टर था अच्छा ट्रीटमेंट था लेकिन पेशेंट ने कोई और दवाई स्टार्ट कर दी, किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, या तो तभी आप एक्शन लोगे ना. एग्जैक्टली, हाउ कैन आई रिड्यूस डेथ्स, राइट? तो चलो मेन प्रॉब्लम इट लाइक विदाउट डेटा यू विल बी रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन. Bus. Headless. So if I know that 60% of the myocardial infarction cases came to hospital and that my heart attack was because of hypertension, or 50% ko pata hi nahi tha ki unko BP hai, to main kya action lunga district level pe ki BP ka detection improve karna hai. Exactly. Right? Exactly. Tabhi I can take appropriate action, right? So this is one. Aur hamare districts itne bade hain. इतने बड़े हैं कि we should treat them like one country या one province of some other state. Yes. और मैं तो बोलता हूँ कि नजीब, अगर तू कल इलेक्शन में खड़ा होगा और अगर तू बोलेगा मैं अपने constituency में death registration और medical certification 100% कर दूंगा, मैं मेरा वोट तेरे को जाएगा. अच्छा, मोटा मोटा यही है जी. जब तक ये बात political issue नहीं बनती, एक तो है administrative will. यही तो है ना सर problem. आप वोट देंगे, इससे आपका एक वोट काफी नहीं है ना, बहुत सारे लोगों में ये जानी चाहिए, यही तो है. I'll give you one more example. UK, US में under reporting is happening by 1.4, 1.5. मैंने example दिया ना, क्योंकि home deaths हो गई जी, पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में तो अगर 100 मौतें होनी है, actual हुई है, actual मौतें 140 हैं, उसके लिए इतना वहां लोग हल्ला कर रहे हैं. People are saying no, we should report it correctly. Government is under reporting. US में 20% लोगों की टेस्ट हो चुकी है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि टेस्टिंग कम है. So you should get me. तो इसमें ये एक आखिरी पॉइंट है, सॉरी हर पॉइंट को मैं आखिरी बोल रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, we are losing the finer details in the noise. अरे अंडर रिपोर्टिंग तो US में भी हो रही है, हमारे यहाँ क्या बात है. Exactly. So you have to understand कि अंडर रिपोर्टिंग का एक्सटेंड कितना हो सकता है और उसके क्या क्या कारण है. और जो मीडिया में, और एक और चीज मुझमें थी, जो मीडिया में अंडर रिपोर्टिंग का आ रहा था, मोस्टली कोविड पॉजिटिव में ही आ रहा था, लेकिन वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन इस बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा था कि जो अननोन जो कोविड है कम्युनिटी में, उनमें आप डेथ कैसे काउंट करोगे, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा. और मैं हमेशा, मैं अगर कोई मीडिया वाले ये सुन रहे हैं
प्लीज ये शब्द यूज करें, रिपोर्टेड COVID-19 केसेस, रिपोर्टेड COVID-19 डेथ्स, एस्टिमेटेड केसेस, एस्टिमेटेड डेथ्स. डोंट से दैट वी हैव यू नो ओनली 3 केसेस इन महाराष्ट्र, वी हैव ओनली 3 केसेस इन दिल्ली, 3 रिपोर्टेड केसेस. आई थिंक देयर इज नो हार्म इन बीइंग स्पेसिफिक. हम ये नहीं बोल सकते कि लोगों को समझ में नहीं आता. मैं बोलूंगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए टू गिव द डिटेल्स एंड गिव पीपल अ चांस टू अंडरस्टैंड, सो दैट रिपोर्टेड वर्ड शुड बी यूज्ड. ये आपने जो बात कही ना कि यूएस में भी अंडर रिपोर्टिंग चल रही है, इंडिया में तो चलेगी, मतलब ये ऐसा हो गया ना कि भाई बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, बिलियनर बन गया. भाई बिल गेट्स और मैं भी छोड़ दूं? हाँ, समझ थोड़ा यार, अगर आपकी अंडर रिपोर्टिंग 10% 20% है तो तब आप कह सकते, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह सकते कि भाई हाँ हो रही, वहां भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, ठीक है. सर 80% हो रही है तो थोड़ा जागो ग्राहक, जागो. सो आई एम सेइंग इट इज अ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी आई एम गिविंग बेस्ड, जब तक, और हमने वो हिंदू आर्टिकल में क्लियरली बोला है, जब तक वी डोंट हैव द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा, एक्सेस डेथ्स का डेटा, वी विल नॉट नो हाउ फार और हाउ क्लोज आर द रिपोर्टेड डेथ्स और द एस्टिमेटेड डेथ्स टू द ट्रू पिक्चर. लेकिन मुझे मोटा मोटा ये लगता है अगर ये रिपोर्टेड डेथ्स है और ये हमारा एस्टिमेट है तो ये थोड़ा ट्रू पिक्चर होगा उससे ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि हमने एरर्स इन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जो एरर्स होते हैं उसको एडजस्ट नहीं किया. और मैंने वेस्टर्न कंट्रीज, न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जांपल दिया कि वहाँ डेथ पंजीकरण बढ़िया है, हाँ जी, टेस्टिंग बढ़िया है, लेकिन वहां पे वो होम डेथ्स मिस हो गई, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे क्वालिटी, क्योंकि डेथ रजिस्टर तो हो गई, कॉज ऑफ डेथ भी पता चल गया, लेकिन उन्होंने कोविड नहीं डाला, वो एरर मानेंगे हम उसको, जो उन्होंने बाद में ठीक भी किया, करेक्ट भी किया. सर अब अगर हम इस बारे में बैठेंगे ना तो और 3 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन सर आई थिंक दिस, आई होप आई एम डूइंग अ सर्विस टू एटलीस्ट फ्यू पीपल थ्रू दिस पॉडकास्ट, एंड यू ऑब्वियसली सर हैव डन अ मैसिव सर्विस थ्रू योर आर्टिकल एंड थ्रू योर इंटरव्यू विद मिस्टर थापर, विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव वॉच्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट. आई होप we meet again in case we go crazy about people around us. We meet again and try to correct course. Thank you very much for doing this podcast, sir. It's been an absolute pleasure. Good luck to you. Good luck to whatever you do. Dhamkiyon se bachiye jo aane wale hain. It's okay. Najib, I think that's absolutely fine. Usko ignore karna chahiye. And Najib, thank you very much for having me in the podcast. Pleasure. That's it from Solo Couples Podcast. Ladies and gents, if you have been listening this long, till we see you again. Bye, everyone.